माननीय नागरिक बंधुओं, इस सभा में उपस्थित सभी सम्माननीय माताओं बहनों, हमारे भारत स्वाभिमान के गोवा राज्य के अध्यक्ष भाई श्री सूरज काणेकर जी, भारत स्वाभिमान अभियान के मंडल प्रभारी भाई श्री विश्वास जी, भारत स्वाभिमान उत्तर गोवा महिला प्रभारी बहन मिलिंदा जी, भारत स्वाभिमान उत्तर गोवा के अध्यक्ष भाई श्री भरतेश जी, भारत स्वाभिमान के तालुका अध्यक्ष भाई श्री संदेश जी, युवा समन्वयक भाई श्री धनराज जी, आज की सभा को गौरव प्रदान करने के लिए आए गोवा विधानसभा के माननीय सदस्य भाई श्री अनंत सेठ जी, हमारे गोवा राज्य के भारत स्वाभिमान के फाउंडर मेंबर और मेरे सम्माननीय भाई श्री दिनेश बाघेला जी, परम सम्माननीय डॉक्टर लेले जी जो यहां उपस्थित हैं, मैं आप सबको प्रणाम करता हूं, आपका बहुत आभार व्यक्त करता हूं कि इतनी सुंदर व्यवस्था आपने की है और मुझे आपसे संवाद करने का मौका मिला है। भारत स्वाभिमान नाम का अभियान पिछले एक वर्ष से भारत देश में चल रहा है। परम सम्माननीय परम पूजनीय स्वामी रामदेव जी ने यह अभियान शुरू किया 5 जनवरी 2009 को। अभियान शुरू हुआ हरिद्वार नाम के नगर से उत्तर भारत में। अभी यह अभियान भारत के 680 जिलों में फैल गया है और इस अभियान को चलाने में 2,40,000 योग शिक्षक तन मन धन से रात दिन लगे हुए हैं। अगले 2 वर्षों में 11 लाख से ज्यादा योग शिक्षक इस अभियान में शामिल होने वाले हैं। उसके लिए हर महीने अभियान की तरफ से प्रशिक्षण शिविर का आयोजन होता है। पिछले एक वर्ष में 33 प्रशिक्षण शिविर आयोजित हुए हैं हरिद्वार में, गोवा राज्य का, महाराष्ट्र राज्य का, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल, फिर मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बंगाल, आसाम आदि आदि भारत के सभी राज्यों के 33 शिविर हो चुके हैं। अगले मई के महीने से परम पूजनीय स्वामी रामदेव जी एक एक जिले का शिविर करने के लिए स्वयं जाने वाले हैं और सबसे खुशी की बात है कि परम पूजनीय स्वामी रामदेव जी का पहला शिविर गोवा राज्य में 1 मई से 4 मई तक हो रहा है। आप सभी को मैं निमंत्रण देता हूं, निवेदन करता हूं कि आप उस शिविर में जरूर शामिल हों। इसी तरह से अगले 2 वर्ष तक ये शिविर आयोजित होते रहेंगे और 2012 के अंत तक हम 11 लाख योग शिक्षकों को इन शिविरों के माध्यम से तैयार कर लेंगे। कुल मिलाकर लगभग 13.5 लाख योग शिक्षक हमारे हो जाएंगे और 13.5 लाख योग शिक्षकों के होने का अर्थ है भारत के हर गांव में कम से कम हमारे 2 योग शिक्षक होंगे। भारत में इस समय 6,38,365 गांव हैं। हर गांव में 2 योग शिक्षक हमारे हो जाएं तो भारत स्वाभिमान का एक बहुत बड़ा लक्ष्य और उद्देश्य हम पूरा कर पाएंगे। भारत स्वाभिमान का उद्देश्य है क्या, लक्ष्य क्या है? भारत स्वाभिमान के 2 ही लक्ष्य हैं। पहला लक्ष्य है भारत के नागरिकों को स्वस्थ बनाना, निरोगी बनाना, रोग मुक्त करना, उनको आरोग्य प्रदान करना, ये पहला लक्ष्य है। और भारत स्वाभिमान का दूसरा और आखिरी लक्ष्य है भारत देश को निरोगी बनाना, भारत देश को रोग मुक्त बनाना, भारत देश को आरोग्यशाली बनाना। भारत के नागरिकों को और भारत देश को, दोनों को निरोगी, स्वस्थ और आरोग्य देना, ये हमारे भारत स्वाभिमान का लक्ष्य है। भारत के नागरिकों को स्वस्थ बनाने का काम हमने क्यों शुरू किया, इसकी आवश्यकता क्या है? इसकी आवश्यकता ये है कि आजादी मिलने के 63 वर्षों के बाद भी हमारे देश के लोगों को चिकित्सा और स्वास्थ्य की सुविधाएं उपलब्ध नहीं है। हमारी भारत सरकार के आंकड़ों के अनुसार भारत देश में 115 कोटी नागरिक रहते हैं
और 115 कोटी नागरिकों में 77 कोटी नागरिक गंभीर बीमारियों के शिकार हैं। 5 कोटी 70 लाख भारतीय नागरिकों को डायबिटीज नाम का रोग हो चुका है। 4 कोटी 50 लाख भारतवासियों को हृदय अवरोध का रोग है, हार्ट में ब्लॉकेज है। करीब 8 कोटी भारतवासियों को कैंसर नाम की गंभीर बीमारी है, जिसमें 24 लाख भारतवासी हर साल मर जाते हैं। 12 कोटी भारतवासियों को आंखों के विभिन्न रोग हैं, जैसे आंख से दिखता नहीं है, रात में नहीं दिखता, नाइट ब्लाइंडनेस है, डे ब्लाइंडनेस है, रेटिनल डिटैचमेंट है, ग्लूकोमा है और कैटरेक्ट है। 14 कोटी भारतवासियों को दमा है, अस्थमा है, ब्रोंकियल अस्थमा है और ट्यूबरकुलोसिस है। 17 कोटी भारतवासियों को अर्थराइटिस है और गाउट है, और अर्थराइटिस के दो हिस्से हैं, ऑस्टियोआर्थराइटिस, रूमेटॉइड अर्थराइटिस और गाउट भयंकर खतरनाक रोग में गिना जाता है। 20 कोटी भारतवासियों को हाइपरटेंशन है, उच्च रक्त दबाव है, और 10 कोटी से ज्यादा भारतवासियों को निम्न रक्त दबाव है, लो ब्लड प्रेशर की बीमारी है। ऐसा कुल मिलाकर 77 कोटी भारतवासी गंभीर रोगों के शिकार हैं। अब एक तरफ 77 कोटी नागरिक हैं जिनको गंभीर बीमारियां हैं, छोटी मोटी बीमारियां, सर्दी खांसी जुकाम बुखार अगर इनको गिन लिया जाए तो करीब 100 कोटी नागरिक हैं जो इन सब बीमारियों से ग्रसित हैं। अब समस्या ये है अपने देश की कि 100 कोटी बीमार नागरिकों का इलाज करने के लिए भारत सरकार के पास जो फंड्स हैं, जो पैसे हैं, वो बहुत थोड़े से हैं। एक वर्ष में हमारी जो केंद्र सरकार है वो चिकित्सा और स्वास्थ्य की व्यवस्था के लिए 22,300 कोटी रुपए खर्च करती है। अभी थोड़े दिन पहले भारत सरकार ने बजट प्रस्तुत किया था 26 फरवरी 2010 को। हमारे देश के माननीय वित्त मंत्री श्री प्रणब मुखर्जी ने बजट का जब भाषण देना शुरू किया और मैंने पूरा भाषण उनका ध्यान से सुना, तो इस बार के बजट में माननीय वित्त मंत्री ने कहा कि हम 22,300 कोटी रुपए खर्च करेंगे चिकित्सा और स्वास्थ्य के लिए। लेकिन भाषण देते समय आगे उन्होंने एक वाक्य बोला जिसको सुनकर मेरा दिल बैठ गया। उन्होंने कहा कि ये 22,300 कोटी रुपए जो खर्च होगा इसमें से 85% जो खर्च होगा वो चिकित्सकों की पगार, सैलरी, तनख्वाह, टीएडीए आदि पे ही चला जाएगा। केंद्र सरकार के सारे देश में जो हॉस्पिटल्स चलते हैं, जो अस्पताल चलते हैं, उनमें जो चिकित्सक सेवाएं दे रहे हैं, जो नर्सेज हैं, जो वार्ड बॉय हैं और अस्पताल का पैरामेडिकल स्टाफ है, इन सब की सैलरी, तनख्वाह, टीए, डीए, उनका हाउस रेंट अलाउंस आदि आदि, इन सब में लगभग 20,000 कोटी रुपए खर्च होगा। और भारत के नागरिकों की औषधियों पर 2,300 कोटी रुपए खर्च होगा। तब मैंने तुरंत हिसाब निकाला कि 2,300 कोटी रुपए नागरिकों का खर्च है और 20,000 कोटी रुपए व्यवस्था का खर्च है, माने जो चिकित्सा की व्यवस्था चल रही है उसका खर्चा 85% है और जिन लोगों के लिए व्यवस्था चल रही है उनका खर्चा सिर्फ 15% है। ऐसी विचित्र स्थिति हमारे देश में है। नागरिकों के लिए लोकतंत्र चल रहा है, नागरिकों के लिए जो लोकतंत्र चल रहा है, नागरिकों पर खर्चा सबसे कम है और तंत्र का खर्चा सबसे ज्यादा। लोगों पर खर्चा नहीं होता है, तंत्र जो चलाया जा रहा है उस पे खर्चा हो रहा है। अब 20,000 कोटी तो चला गया, सैलरी टीएडीए में 2,300 कोटी बचेगा और 100 कोटी नागरिक अगर बीमार हैं सारे देश में गंभीर और सामान्य रोगों से, तो एक नागरिक के हिस्से में मात्र 23 रुपए आने वाला है खर्चे का। आपको नहीं लगता कि सरकार आपके साथ मजाक कर रही है? और ऐसा क्रूर मजाक कर रही है हमारी सरकार पिछले 63 वर्षों से कि नागरिकों की चिकित्सा व्यवस्था अगर करनी है तो एक नागरिक के लिए सरकार के पास सिर्फ 23 रुपए हैं, 23 रुपीज,
23 रुपए में तो सर्दी जुकाम भी ठीक नहीं होने वाला, गंभीर बीमारियों का तो कोई इलाज क्या करा पाएगा। और ये सच्चाई तब है जब सरकार हमसे ही पैसे लेती है बजट बनाने के लिए टैक्स के रूप में। केंद्र सरकार ने इस बार भारत के एक एक नागरिक से टैक्स के रूप में जो पैसा लिया है वो 8,460 रुपए है। हर एक नागरिक ने केंद्र सरकार को टैक्स के रूप में 8,460 रुपए दिया है और बदले में सरकार उस नागरिक के स्वास्थ्य के लिए 23 रुपए खर्च करेगी। माने सरकार लेती तो ज्यादा है आपसे और बदले में देती तो बहुत कम है। बीच का पैसा सारा व्यवस्था में चला जाता है, इसलिए किसी भी आदमी की चिकित्सा सरकार के द्वारा संभव नहीं है। माने भारत के किसी भी नागरिक का इलाज सरकार नहीं करा सकती। दूसरी एक और गंभीर बात है, हमारे देश में चिकित्सकों की संख्या बहुत कम है। भारत में जो बीमार लोगों की संख्या है उसके अनुपात में चिकित्सक बहुत कम है। हमारे भारत सरकार के आंकड़ों के अनुसार भारत में कुल मिलाकर 25 लाख चिकित्सक हैं। MBBS माने एलोपैथी वाले, BHMS माने होम्योपैथी वाले, BAMS अर्थात आयुर्वेद वाले, BUMS माने यूनानी पद्धति वाले, ये 4 चिकित्सा पद्धतियां सरकार के द्वारा मान्यता प्राप्त हैं। इनमें कुल चिकित्सक 25 लाख हैं और इनमें से 7 लाख चिकित्सक भारत छोड़कर भाग गए हैं, वो अमेरिका चले गए हैं, यूरोप चले गए हैं। तो भारत में सेवा देने के लिए सिर्फ 18 लाख चिकित्सक बचे हैं। अब 18 लाख चिकित्सक हैं और 100 करोड़ बीमार हैं, कैसे इलाज हो सकता है? सवाल ही नहीं उठता। कोई ईमानदार से ईमानदार चिकित्सक हर दिन सुबह 6 बजे से इलाज करना शुरू करे और रात 9 बजे तक मरीजों को देखे तो एक दिन में 100 से ज्यादा मरीजों का इलाज नहीं कर सकता। इस दृष्टि से सिर्फ 2 कोटी नागरिकों का ही इलाज संभव है, बाकी का तो इलाज ही नहीं हो पाएगा। मैंने भारत सरकार के स्वास्थ्य मंत्री को एक पत्र लिखा था और ये पूछा था कि भारत में सभी नागरिकों को चिकित्सा सुविधा कितने वर्षों में मिल जाएगी। तो स्वास्थ्य मंत्री ने कहा 350 वर्षों में मिल जाएगी सभी को चिकित्सा सुविधा। 350 वर्षों का मतलब क्या है? 63 साल आजादी के हुए तो 25 लाख चिकित्सक तैयार हुए, और 63 साल होंगे तो 25 लाख और चिकित्सक हो जाएंगे। कुल मिलाकर 350 साल में इतने चिकित्सक हो जाएंगे कि सभी को सुविधा मिल जाए चिकित्सा की। लेकिन स्वास्थ्य मंत्री ने उस पत्र में नीचे एक नोट लिखा था, वो जरूर मैं सुनाऊंगा। उस नोट में लिखा था कि ये 350 साल में सभी को चिकित्सा तब मिल पाएगी जब एक भी नए बच्चे का जन्म ना हो इस देश में 350 साल तक। माने हमारी आबादी ना बढ़े, हमारी लोक संख्या ना बढ़े, तब जाकर 350 साल में आप सभी को सरकार चिकित्सा उपलब्ध करा देगी। ये तो कभी संभव ही नहीं है कि हम चिकित्सा सुविधा उपलब्ध करने के लिए अपनी आबादी रोक लें, तब तो देश के खत्म हो जाने का खतरा पैदा हो जाएगा। क्योंकि यूरोप और अमेरिका में कोई भी देश अपनी लोक संख्या घटाना नहीं चाहता, उन सभी देशों में लोक संख्या बढ़ाने का अभियान चल रहा है। कोई देश नहीं चाहता कि उनकी लोक संख्या खत्म हो, हम कैसे चाहेंगे? इसका सीधा सा अर्थ है कि लोक संख्या बाढ़ होती रहेगी, सरकार हाथ पर हाथ धरे बैठी रहेगी, वो किसी की चिकित्सा सुविधा उपलब्ध नहीं करा पाएगी। इससे भी ज्यादा और एक गंभीर प्रश्न है कि हमारे भारत में गरीबी इतनी भयंकर है कि 84 कोटी नागरिक तो औषध खरीद कर ही नहीं खा सकते। 84 कोटी नागरिक इस देश में इतने गरीब हैं जो एक दिन में 20 रुपए भी नहीं खर्च कर पाते। जो नागरिक एक दिन में 20 रुपए खर्च नहीं कर सकते वो किसी भी चिकित्सा पद्धति से चिकित्सा नहीं करा सकते, क्योंकि चिकित्सा बहुत महंगी हो चुकी है।
मैं दो तीन उदाहरण अगर आपको दूं कि आपको मान लीजिए हार्ट अटैक आ जाए, हृदय घात हो जाए और आप एलोपैथी चिकित्सा में एंजियोप्लास्टी कराने के लिए जाएं, तो कम से कम 1.5 लाख रुपए आपका खर्च होगा एंजियोप्लास्टी के ऑपरेशन में। अगर आपने बाईपास सर्जरी कराई तो 2.5-3 लाख रुपए तक खर्च हो जाएगा आपका ऑपरेशन में। अगर आपकी किडनी खराब हो चुकी है और किडनी को ट्रांसप्लांट कराना चाहते हैं तो कम से कम 3.5 लाख रुपए का खर्च है। अगर लीवर आपका खत्म हो गया है और नया लगाना चाहते हैं तो 4.5-5 लाख रुपए का खर्च है। अगर आपको वायरल फीवर हो गया है तो इस फीवर को ठीक करने में कम से कम 1,000 से 1,500 रुपए खर्च हो जाएंगे। अगर आपको सर्दी जुकाम और खांसी हो गया है तो भी 500-700 रुपए तो कम से कम खर्च होने वाले हैं। वायरल फीवर आ जाए, बैक्टीरियल कोई बीमारी आपको आ जाए, या तो छोटी मोटी चीजों से लेकर बड़ी बीमारियों तक आप चले जाएं, 1,000-1,00,000 रुपए का बिल बनता है। अब चिकित्सा भारत में सस्ती नहीं रह गई है। सन 1991 के बाद हमारे देश की सरकारों ने उदारीकरण और वैश्वीकरण की जो नीतियां अपनाई हैं, उसमें दवाओं की बहुत ज्यादा कीमतें बढ़ गई हैं। कैंसर का इलाज करने वाली जो दवाएं 1991 के पहले 10 से 15 हजार रुपए में मिलती थी, अब वो दवाएं 1.5 से 2 लाख रुपए में आती हैं। इतनी महंगी चिकित्सा है हमारे देश में। और 84 कोटी नागरिकों के पास एक दिन में खर्च करने को 20 रुपए नहीं है, इसका माने चिकित्सा लेना सबके बस की बात नहीं है। तो गरीबी के कारण सब लोग चिकित्सा नहीं ले सकते, चिकित्सकों की संख्या कम होने के कारण चिकित्सक उपलब्ध नहीं है सेवा देने के लिए, और हमारे देश की सरकार के पास बजट नहीं है, पैसा नहीं है चिकित्सा सुविधाओं के लिए। इन तीन कारणों से भारत के लोग बहुत दुखी हैं, बहुत परेशान हैं और दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। हमारे भारत की चिकित्सा महंगी है, इसका एकमात्र प्रमाण मैं आपको देना चाहूं तो वो ये है कि भारत के लोग जो प्राइवेट चिकित्सा कराते हैं, निजी डॉक्टरों के पास जाते हैं, उनकी फीस देते हैं, ऑपरेशन का खर्च उठाते हैं और दवाओं का खर्च उठाते हैं, उसी में एक साल में 7 लाख कोटी रुपए खर्च हो जाता है। और ये मैं नहीं कहता, विश्व स्वास्थ्य संगठन के आंकड़े हैं, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का कहना है कि भारत में चिकित्सा सेवाओं के महंगा होने के कारण जो लोग चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कर पा पाते हैं उनका 7 लाख कोटी रुपए खर्च हो जाता है। और इतना सारा खर्च होने के बाद भी कई बार बहुत सारी बीमारियों का इलाज नहीं हो पाता। डायबिटीज का हमारे पास कोई इलाज नहीं है, हाइपरटेंशन का कोई इलाज नहीं है। डायबिटीज और हाइपरटेंशन में डॉक्टर कहते हैं कि जिंदगी भर दवा खाओ तब आपको बीमारी कंट्रोल होगी, दवा खाना बंद कर दोगे बीमारी फिर आ जाएगी। गाउट का हमारे पास इलाज नहीं, अर्थराइटिस का हमारे पास इलाज नहीं, कैंसर का हमारे पास इलाज नहीं, दमा कभी ठीक नहीं होता, सारे डॉक्टर कहते हैं दमा दम निकलने के बाद ही ठीक होता, मरीज मर जाता है उसके बाद दमा ठीक हो पाता। तो ऐसी गंभीर स्थिति हमारे देश में है, उस गंभीर स्थिति में क्या किया जाए। हमारे भारत की एक बड़ी महान परंपरा है जो दुनिया के किसी देश में नहीं है, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे संतु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। सब सुखी हों, सब निरोगी हों, किसी को कोई दुख ना हो, सबके चेहरे प्रसन्नता से खिले हुए हों, ये भारत की परंपरा है। और चिकित्सा सुविधाओं के नाम पर किसी की कोई व्यवस्था नहीं है इस देश में, सब दुखी ही दुखी हैं, सुखी होने की दूर दूर तक संभावना नहीं है। तब हमारे सामने एक यक्ष प्रश्न है और एक धर्म संकट है कि या तो भारत की परंपराओं को बदला जाए, सर्वे भवन्तु सुखिनः की जो परंपरा है इसको छोड़ दिया जाए और सर्वे भवन्तु दुखिनः कहना शुरू कर दिया जाए, या तो एक काम ये करें, और या कोई ऐसा अभियान हम चलाएं पूरे देश में जो सर्वे भवन्तु सुखिनः की परंपरा को पुनः स्थापित करे और लोगों को चिकित्सा और स्वास्थ्य उपलब्ध कराए। तो भारत स्वाभिमान नाम का अभियान इसी
सर्वे भवन्तु सुखने की परंपरा को भारत में बढ़ाने के लिए शुरू हुआ है और इस अभियान के तहत हमने 2,40,000 योग शिक्षकों को योग प्राणायाम और आयुर्वेद का ज्ञान देकर गांव-गांव भेजना शुरू किया है ताकि हर व्यक्ति को आरोग्य दिया जा सके, निरोगी बनाया जा सके, स्वस्थ बनाया जा सके, बिना किसी खर्चे के, टैक्स फ्री, कॉस्ट फ्री, साइड इफेक्ट नहीं और एक्सपायरी डेट कुछ भी नहीं। ऐसी चिकित्सा व्यवस्था का नाम है योग प्राणायाम और इसी के लिए चलने वाला संगठन है भारत स्वाभिमान। मुझे बहुत खुशी है ये कहते हुए कि आपके बिचोलिम तालुका में हमारे कम से कम 150 योग कक्षाएं प्रतिदिन चल रहे हैं और 350 से ज्यादा योग शिक्षक इन कक्षाओं में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। सारे देश में तो 2,40,000 योग शिक्षक सेवाएं दे रहे हैं, अकेले बिचोलिम तालुका में 350 योग शिक्षक अपनी सेवाएं दे रहे हैं। बहुत खुशी है मुझे और गर्व है मुझे आप सभी गोवा के भाई बहनों पर जिन्होंने ये अभिक्रम अपने हाथ में लिया है। हमारी तमन्ना है कि भारत के हर गांव में कम से कम 2 योग शिक्षक सेवा देने वाले हो जाएं, जो लोगों को योग और प्राणायाम इतना सिखाएं कि लोग अपनी बीमारियों का इलाज उसी से कर पाए। योग और प्राणायाम भारत की सबसे पुरानी चिकित्सा पद्धति है, हजारों लाखों वर्ष पुरानी चिकित्सा पद्धति है। महर्षि पतंजलि ने इस चिकित्सा पद्धति का आविष्कार किया और परम पूजनीय स्वामी रामदेव जी ने इस योग प्राणायाम की चिकित्सा पद्धति को पुनः स्थापित किया सारे देश में और दुनिया के सामने। पिछले 2001 से लगातार 2010 तक माने 9 वर्षों में इस योग प्राणायाम की चिकित्सा पद्धति के माध्यम से हमने ये सिद्ध किया कि जो डायबिटीज ठीक नहीं होती किसी भी चिकित्सा पद्धति में, वो योग प्राणायाम 3 महीने में ही ठीक हो जाती है। 40-40 साल पुरानी डायबिटीज वाले हजारों लाखों मरीजों ने योग और प्राणायाम करके 3 महीने में अपनी डायबिटीज को ठीक किया है और आज उनकी शुगर इतनी नॉर्मल है कि वो एक दिन में 250 ग्राम भी मिठाई खा जाएं तो शुगर उनकी 1% भी नहीं बढ़ती। ऐसा चमत्कार योग और प्राणायाम के द्वारा संभव हुआ है। जिनको 20-20 साल से हाइपरटेंशन था और हर दिन 8-10 गोलियों से लेकर 20-25 गोलियां खाते थे, उन्होंने योग प्राणायाम के द्वारा अपना हाइपरटेंशन मात्र 3 से 4 दिनों में और अधिक से अधिक 15 दिनों में सामान्य किया। जिनको गाउट था, अर्थराइटिस था 20-20 साल से, जो बिस्तर पे पड़े रहते थे, चल नहीं पाते थे, उन्होंने योग प्राणायाम के द्वारा अपना अर्थराइटिस ठीक किया है, गाउट ठीक किया है। माताओं को, बहनों को गर्भाशय में बड़ी गांठ हो जाती है, ट्यूमर हो जाता है, योग और प्राणायाम के द्वारा लाखों माताओं ने अपनी गर्भाशय की गांठ को गलाया है। ब्रेन ट्यूमर बहुत सारे लोगों ने अपना ठीक किया है योग प्राणायाम के द्वारा और अब तो जो कैंसर किसी तरह से ठीक नहीं होता वो योग और प्राणायाम से ठीक हो रहा है। ब्लड कैंसर तो सबसे आसानी से ठीक हो रहा है योग और प्राणायाम की मदद से। आहार नली का कैंसर, पेट में होने वाले किसी स्थान का कैंसर, गुदा द्वार का कैंसर, रेक्टम कैंसर, ये 4 कैंसर तो बड़े आसानी से ठीक होते हैं। मैं आजकल हरिद्वार में रहता हूँ, हर दिन हमारे यहाँ 2,000 मरीज आते हैं, उनमें से कम 100 से 150 मरीज कैंसर के होते हैं और वो अंतिम स्थिति में होते हैं तब हरिद्वार आते हैं और मैंने देखा है कि उनके पास जो कागज लेके आते हैं उसमें डॉक्टर अक्सर उनको बोल देते हैं 15 दिन में आपकी मृत्यु हो जाएगी, 10 दिन में मृत्यु हो जाएगी और वो लोग आते हैं, योग करते हैं, प्राणायाम करते हैं और 15 दिन तो क्या, 1.5-2 साल से वो जिंदा बने हुए हैं और दूर दूर तक संभावना नहीं कि उनकी मृत्यु हो। वो वापस अपने चिकित्सक के पास जाते हैं ये पता करने के लिए कि हमारे कैंसर का क्या हाल है, तो उनका चिकित्सक कहता है कि ये तो कोई चमत्कार हो गया, आपका कैंसर तो बिल्कुल ठीक हो गया और वो सिर्फ योग और प्राणायाम से संभव है। ऐसी अद्भुत चिकित्सा पद्धति अगर हमारे देश में हजारों वर्षों से है, जो सभी बीमारियों का जड़ से उपाय कर सकती है, इलाज कर सकती है, तो क्यों ना इस चिकित्सा पद्धति को भारत के गांव-गांव में फैलाया जाए
क्यों ना लोगों को ये ज्ञान दिया जाए, जो ज्ञान महर्षि पतंजलि ने सारी दुनिया को दिया, उसी ज्ञान को आज भारत के गांव-गांव तक पहुंचाने का काम हमारा भारत स्वाभिमान अभियान कर रहा है और हमारे योग शिक्षक इसी काम में लगे हुए हैं। मैं आप सभी नागरिकों से ये निवेदन करने आया हूं कि आप भी हमारे इस अभियान का लाभ लीजिए और भारत स्वाभिमान की कक्षाओं में आकर योग और प्राणायाम सीखिए। हर दिन सुबह 5 बजे से कक्षाएं होती हैं। मैंने बताया बिचोलिम तालुका में 150 से ज्यादा कक्षाएं नियमित चल रही हैं। आप किसी भी कक्षा में आ सकते हैं। माताओं बहनों के लिए अलग कक्षाएं होती हैं, भाइयों के लिए अलग कक्षाएं हैं और इनमें शामिल होकर योग प्राणायाम आप भी सीख सकते हैं और जरूरत पड़ने पर आप दूसरों को भी सिखा सकते हैं। पहले आप योग साधक के रूप में हमारे यहाँ आए, प्राणायाम और योग सीखें, फिर योग शिक्षक के रूप में अपनी सेवाएं देना शुरू करें और दूसरों को योग प्राणायाम सिखाएं, तो आपकी जिंदगी में वो आनंद प्राप्त होगा, वो सुख मिलेगा जो करोड़ों रुपए कमाने में कभी नहीं मिल सकता। कोटि कोटि रुपए एक तरफ रख दीजिए और योग प्राणायाम सिखाने का जो आनंद आपको मिलेगा वो किसी भी संपत्ति से बड़ा है। ये मैंने खुद अपने जीवन में महसूस किया है। हमारे सारे योग शिक्षक हर दिन इस आनंद को महसूस करते हैं। भारत में आप वेद को पढ़िए, ऋग्वेद पढ़िए, यजुर्वेद पढ़िए, सामवेद पढ़िए, अथर्ववेद पढ़िए, उपनिषद पढ़िए, ब्राह्मण ग्रंथों को पढ़िए, पुराने कोई भी शास्त्रीय ग्रंथों को पढ़ें, तो सभी जगह एक बात लिखी गई है, वो ये कि जीवन का अंतिम उद्देश्य क्या है, तो योग प्राणायाम करते हुए मोक्ष की प्राप्ति। हमारे जीवन का आखिरी उद्देश्य क्या है, मोक्ष की प्राप्ति। अगर हमें मोक्ष प्राप्त करना है तो इसके लिए क्या करना पड़ता है। पहले मुझे ऐसा लगता था कि मोक्ष प्राप्त करने के लिए बड़ी तपस्या करनी पड़ती है, बड़ा त्याग करना पड़ता है, हिमालय में जाके तपस्या करनी पड़ती है, वस्त्र बदलने पड़ते हैं, वेश बदलना पड़ता है, संन्यास दीक्षा लेनी पड़ती है, सुखों से सब दूर जाके दुखों में जीवन बिताना पड़ता है, ऐसा मुझे लगता था। लेकिन थोड़े दिन से मैंने परम पूजनीय स्वामी रामदेव जी के जो आचार्य हैं, जिन्होंने स्वामी जी को शिक्षा दी, आचार्य प्रद्युम्न जी, उनसे वेद पढ़ना शुरू किया और एक दिन वो मुझे वेद का अभ्यास कराते हुए एक सूत्र पढ़ा रहे थे जिस सूत्र में लिखा गया है कि किसी भी व्यक्ति को मोक्ष की प्राप्ति हो सकती है, बस उसको अपने जीवन में दो काम करने हैं। वो व्यक्ति अमीर हो या गरीब हो, वो व्यक्ति हिंदू हो या मुसलमान हो, वो व्यक्ति ईसाई हो या जैन हो, वो व्यक्ति बौद्ध हो या पारसी हो, किसी भी संप्रदाय का हो, किसी भी जाति का हो, किसी भी समाज का हो, किसी भी वर्ग का हो, हर व्यक्ति को मोक्ष प्राप्त हो सकता है, बस उसके लिए दो शर्तें पूरी करनी। पहली शर्त यह है कि जो व्यक्ति अपने दुखों को दूर करे सबसे पहले। दुखों से मतलब है गरीबी, भुखमरी, बेरोजगारी, ये भौतिक दुख हैं। सर्दी, खांसी, जुकाम, बुखार, ये सब दैहिक दुख हैं, शरीर के दुख हैं और भगवान के दिए हुए, देव के दिए हुए कुछ दुख होते हैं। तो दैहिक, दैविक और भौतिक, तीन तरह के दुख हमारे यहाँ माने गए हैं। जो व्यक्ति इन तीनों दुखों को अपने जीवन से दूर कर सकता है और दूसरों के इन्हीं तीनों दुखों को दूर कराने का काम कर सकता है, वही व्यक्ति मोक्ष को जाता है, उसी को सदगति मिलती है, उसी को स्वर्ग मिलता है। हमारे वेदों में स्पष्ट कहा गया, आप अपने दुखों को दूर करिए, फिर दूसरों के दुखों को दूर करने का प्रयास करिए, तो आपको मोक्ष मिलेगा। मैं आपके पास आया हूं बिचोलिम में इसी उद्देश्य की प्राप्ति के लिए। मैंने आधा काम कर लिया है, मेरे अपने जीवन के सभी दुख मैंने दूर कर लिए हैं, अब आपके भी जीवन के दुख मेरे कारण से दूर हो जाएं, तो मुझे मोक्ष मिल जाएगा और मुझे स्वर्ग की सीट चाहिए। लोकसभा राज्यसभा में जाने से कोई फायदा नहीं, क्योंकि 5 साल में कब निकाल दिए जाए पता नहीं, स्वर्ग में एक बार चले जाए तो सीट पक्की हो जाती है, तो मुझे मोक्ष में जाना है, आपका इसमें सहयोग चाहिए, इसलिए मैं बिचोलिम आया। मैं मेरे स्वार्थ के लिए बिचोलिम आया और मेरा स्वार्थ है मुझे मोक्ष चाहिए,
उसके लिए आप पहले दुखों से दूर हो जाइए, आप अपने शरीर को ठीक कर लीजिए, योग प्राणायाम करिए, आयुर्वेद का अपने जीवन में पालन करिए और अपने दुखों को दूर कर लीजिए, तो मुझे मोक्ष मिलेगा, मैं स्वर्ग चला जाऊंगा। फिर आप भी किसी के दुखों को दूर करा देना योग प्राणायाम से, आपको भी मोक्ष मिलेगा, आप भी स्वर्ग में आ जाना, हम सब वहीं इकट्ठे हो जाएंगे स्वर्ग में। और सुना है कि वहां कोई काम करने को नहीं है, दिन भर खाली रात भर खाली, तो वहां भी योग प्राणायाम की ही कक्षाएं लगाएंगे और इंद्र को सिखाएंगे, उनके चेले चपाटों को योग सिखाएंगे। मैंने मजाक में आपसे गंभीर बात कही है और वो गंभीर बात यही है, मैं मोक्ष में जाऊं, आप सब हमारे साथ मोक्ष में जाएं, ऐसी एक विद्या का नाम है योग प्राणायाम, जिसको आप सीखें, दूसरों को सिखाएं, अपने दुख दूर करें और दूसरों के दुख दूर करवाएं। इस भावना के साथ मैं आपको निवेदन करता हूं और आमंत्रण देता हूं कि आप भारत स्वाभिमान अभियान के साथ जुड़ें, योग प्राणायाम सीखें, आयुर्वेद का पालन करें और अपने जीवन में हमेशा सुखी रहें। एक दो बातें आपसे और मुझे करनी है, वो ये कि आयुर्वेद एक ऐसी चिकित्सा पद्धति है सारे देश और दुनिया में, जो लोगों को ये सिखाती है कि आप बीमार ही ना पड़े। दुनिया में बाकी सभी चिकित्सा पद्धतियां ये कहती हैं कि आप पहले बीमार पड़ो फिर हम आपको ठीक करेंगे, एलोपैथी यही कहती है, होम्योपैथी भी यही कहती है, लेकिन आयुर्वेद एक ऐसी अद्भुत पद्धति है सारी दुनिया में जो ये कहती है कि बीमार ही मत पड़ो, सुखी रहो, स्वस्थ रहो। तो आप सब आयुर्वेद का पालन करें, और ये आयुर्वेद भी हजारों लाखों वर्ष पुरानी चिकित्सा पद्धति है। आयुर्वेद के बारे में बहुत सारी बातें आपके बहुत सारे वैद्य लोगों से पता चल सकती हैं, जो आपके नगर में होंगे, नहीं तो गोवा राज्य में होंगे। मैं तो मोटी मोटी दो तीन बातें आपसे कहना चाहता हूं, जिनका आप पालन करें तो जीवन भर निरोगी रह सकते हैं, रोग मुक्त रह सकते हैं। बीमारी आपको आए उससे कई गुना अच्छा है बीमारी आए नहीं, आप रोगी बने नहीं, हमेशा स्वस्थ रहें, तंदुरुस्त रहें। और ये बहुत आसान काम है, आयुर्वेद में कहा गया है कि जो व्यक्ति अपने वात पित्त और कफ को संतुलित कर सकता है वो जीवन भर निरोगी रह सकता है। तो आपको एक छोटी सी बात कहना चाहता हूं आयुर्वेद की, कि आप अपने वात पित्त और कफ को संतुलित रख लीजिए, जीवन भर आप निरोगी हो जाएंगे। आप बोलेंगे वात पित्त कफ को संतुलित रखने के लिए क्या करें, आयुर्वेद की छोटी छोटी तीन चार बातें कहता हूं आपसे। वात को संतुलित रखना इसलिए जरूरी है कि वात अगर बिगड़ गया तो आपको 80 से ज्यादा रोग पैदा करेगा, 80 80 रोग आते हैं जब वात बिगड़ता है। घुटने का दर्द, कमर का दर्द, कंधे का दर्द, जोड़ों का दर्द, हार्ट अटैक, हृदय घात, कार्डियक अरेस्ट, ब्रेन हेमरेज, पैरालिसिस, ये सब वात के बिगड़ने के रोग हैं और 80 से ज्यादा है। इसलिए वात को बिगड़ने मत दीजिए कभी भी, पित्त को मत बिगड़ने दीजिए, वरना पित्त के बिगड़ने से 40 रोग आते हैं, गैस बनना, एसिडिटी होना, हाइपर एसिडिटी होना, अल्सर होना, पेप्टिक अल्सर होना, ये सब पित्त के बिगड़ने के रोग हैं। और कफ को मत बिगड़ने दीजिए, क्योंकि कफ के बिगड़ने से 20 रोग आते हैं, सर्दी होना, खांसी होना, जुकाम होना, मोटापा होना, वजन बढ़ना, ये सब कफ के बिगड़ने के रोग हैं। तो कफ को संतुलित रखिए, पित्त को संतुलित रखिए, वात को संतुलित रखिए। अब आयुर्वेद में वात पित्त कफ को संतुलित रखने के लिए बहुत सारे सूत्र लिखे गए हैं और उन सूत्रों की कुल संख्या लगभग 7000 है, उसमें से मैं 3-4 सूत्र जरूर बताऊंगा आपको, आप आज से ही इनका अपने जीवन में पालन करिए। आयुर्वेद में कहा गया है वात पित्त कफ को अगर संतुलित रखना है तो हमेशा खाना खाने के बाद पानी मत पीजिए। इस सूत्र को ऐसे कहा गया है भोजनांते विषम वारी, भोजनांते माने भोजन अंते, भोजन के अंत में, विषम माने विष के जैसा, वारी वारी माने पानी, भोजन के अंत में पानी जहर के जैसा है, विष के जैसा है, माने भोजन के अंत में कभी भी पानी मत पीजिए।
आप बोलेंगे क्यों नहीं पीना? पानी इसलिए मत पीना कि जब आप भोजन करते हैं सारा भोजन आपके पेट में इकट्ठा होता है, पेट में एक स्थान होता है उसको हम कहते हैं जठर, संस्कृत में जठर कहते हैं, हिंदी में आमाशय कहते हैं और डॉक्टरों की भाषा में एपिगैस्ट्रियम कहते हैं। सारा भोजन आपका जठर में एकत्रित होता है, जठर में अग्नि जलती है भोजन को पचाने के लिए, उसको जठर अग्नि कहते हैं, मिला के कह देते हैं जठराग्नि। तो आप जैसे ही भोजन करते हैं अग्नि प्रदीप्त होती है, अग्नि भोजन को पचाने का काम जैसे ही शुरू कर देती है तब तक आप घटाघट पानी पी लेते हैं और पानी उस अग्नि को बुझा देता है। और पानी ने अगर अग्नि को बुझा दिया तो अग्नि फिर नहीं जलेगी, तो भोजन नहीं पचेगा, तो भोजन फिर सड़ेगा और सड़ा हुआ भोजन विष उत्पन्न करेगा और वो विष आपके जीवन में 103 रोग पैदा करेगा। इसलिए आयुर्वेद में कहा गया भोजन के अंत में पानी नहीं पीना। तो आप पूछेंगे पानी कभी पीना? कम से कम 1 से 1.5 घंटे के बाद पानी पीना। आपने 10 बजे भोजन किया 11:30 बजे पानी पीना, 11 बजे भोजन किया 12:30 बजे पानी पीना, हमेशा 1 से 1.5 घंटे के बाद ही पानी पीना। क्यों? क्योंकि 1 से 1.5 घंटे तक जो जठर अग्नि प्रदीप्त होती है वो 1 से 1.5 घंटे में अपने आप शांत हो जाती है, उतनी देर अग्नि की जरूरत पड़ती है। और 1-1.5 घंटे में जब अग्नि शांत हो जाती है तो सारे भोजन का रस बनना शुरू होता है और उस रस में से मांस मज्जा रक्त वीर मल मूत्र अस्थि मेद बनता है। मल मूत्र आपके काम का नहीं है, शरीर उसको हर दिन छोड़ देता है, बाकी सब चीजें शरीर के काम की हैं, शरीर उसको धारण कर लेता है। तो जब भोजन का रस बनना शुरू हो तब पानी की जरूरत शरीर को पड़ती है, लगभग 1 से 1.5 घंटे के बाद ही पानी पीना अच्छा है। ये पहला नियम है आयुर्वेद का, अगर आप पालन करेंगे जीवन भर आपको वात पित्त कफ संतुलित रहेगा और बीमारी नहीं आएगी। दूसरा नियम है आयुर्वेद का, आपके मन में एक प्रश्न आ सकता है उसका समाधान करूं तब दूसरा नियम बताऊं। बहुत लोग मुझे ये पूछते हैं कि चलो भोजन के अंत में तो पानी नहीं पीना, 1.5 घंटे के बाद पियेंगे, पहले पानी पीना क्या भोजन के पहले? तो आयुर्वेद में कहा गया भोजन के 48 मिनट पहले आप पानी पी सकते हैं, 48 मिनट्स बिफोर, और जितना चाहें उतना पानी पी सकते हैं। फिर कुछ लोग पूछते हैं भोजन के मध्य में पानी पी सकते हैं क्या, बीच में? तो मध्य में पानी तब पी सकते हैं जब कोई एक्सीडेंट हो जाए, मतलब आप भोजन कर रहे हैं आपको खांसी आ गई तो आप पानी पी लीजिए बीच में। आप भोजन कर रहे हैं और आपको गले में कुछ फंस गया भोजन तो थोड़ा पानी पी लीजिए। तो भोजन के मध्य में 1-2 घूंट पानी पी सकते हैं जरूरत पड़ने पर, अंत में 1.5 घंटे पर पानी पिए और पहले पीना है तो 48 मिनट से पिए। एक आखिरी बात मुझे कहनी है इस सूत्र में कि भोजन के बाद अगर कोई चीज पीना चाहते तो आयुर्वेद में कहा गया 3 चीजें पी सकते हैं भोजन के बाद। एक तो ताक पी सकते हैं छाछ, दूसरा दूध पी सकते हैं और तीसरा जूस पी सकते हैं फलों का रस। भोजन के तुरंत बाद आप चाहें तो ताक पीजिए, छाछ पीजिए, मज्जिगे पीजिए, बटर मिल्क पीजिए, ये भोजन के तुरंत बाद पी सकते हैं। दूध पी सकते हैं और जूस पी सकते हैं। जूस पीने के लिए आयुर्वेद में कहा गया है कि सुबह सुबह पिए तो बहुत अच्छा है। ताक और मज्जिगे बटर मिल्क के लिए कहा गया है दोपहर को पिए तो बहुत अच्छा है, और दूध पीने के लिए कहा गया है रात को पिए तो सबसे अच्छा। तो रात के भोजन के बाद तुरंत दूध पी लीजिए, दोपहर के भोजन के बाद ताक और बटर मिल्क पी लीजिए और सुबह के भोजन के बाद जूस पी लीजिए, पानी 1.5 घंटे बाद पीजिए। अब आपके मन में और एक सवाल आ सकता है कि एक तरफ आयुर्वेद कहता है कि पानी मत पियो, दूसरी तरफ आयुर्वेद कहता है ताक पी लो, ताक में तो पानी ही है, बटर मिल्क तो पानी से ही बनता और जूस में तो पानी के अलावा कुछ ही नहीं है, तो ये क्या कॉन्ट्रडिक्शन है, ये क्या विरोधाभास है आयुर्वेद का? ये कॉन्ट्रडिक्शन समझ में आ जाए तो बहुत अच्छा है।
आयुर्वेद में ये कहा गया कि ये जो पानी होता है, पानी ये जब तक शुद्ध है, अकेला है, तब तक इसके अपने गुण इसमें रहते हैं। जब पानी किसी वस्तु में मिला दिया जाता है तो पानी के सारे अपने गुण वो छोड़ देता है, जिस वस्तु में पानी मिला दिया गया उसी के गुण धारण कर लेता है। आपने हिंदी फिल्म का एक गाना सुना होगा, पानी रे पानी तेरा रंग कैसा, जिसमें मिलाए उस जैसा। तो पानी को आपने दही में मिलाया, ताक बन गई, तो इसमें पानी के गुण नहीं है, दही के गुण आ गए। पानी को दूध में मिलाया आपने, तो पानी में दूध के गुण आए। और पानी को किसी फल के साथ मिला दिया तो जूस बन गया, तो उसमें फल के गुण आए हैं। इसलिए ताक पिया जाता है, दूध पिया जाता है, जूस पिया जाता है, पानी डेढ़ घंटे के बाद ही पीना। ये पहला सूत्र है आयुर्वेद का। इस सूत्र का पालन जो भी अपने जीवन में कर लेगा, जीवन भर वात पित्त कफ उसका संतुलित रहेगा, बीमारी आएगी ही नहीं, चिकित्सा करने की जरूरत पड़ेगी ही नहीं। एक दूसरा आयुर्वेद का सूत्र है, वो ये कि पानी को जब भी पीना, घूट घूट भर के पीना, सिप सिप करके पानी पीना, थोड़ा थोड़ा पानी पीना, जैसे चाय पीते हैं, जैसे कॉफी पीते हैं, ऐसे पानी पीना। कभी भी घटाघट घटाघट एक गिलास एक लोटा पानी लगातार मत पीना। एक सिप पानी पिया, थोड़ी देर रुके, फिर एक सिप पिया, फिर रुके, फिर एक सिप, फिर रुके, ऐसे पानी पीना। आप पूछेंगे क्यों? बात ऐसी है कि आपका जो मुंह है ना, इसमें हर समय लार बनती है। अंग्रेजी में हम इसको स्लाइवा कहते हैं और दूसरा अंग्रेजी में इसको सलीवा कहते हैं। एक अमेरिकन अंग्रेजी है और एक ब्रिटिश अंग्रेजी है। एक अंग्रेजी में स्लाइवा, दूसरे में सलीवा, और मुंह में बनती है लार। ये जो लार होती है ना, ये क्षारीय होती है, एल्कलाइन। तो पानी अगर आप एक एक सिप पी रहे हैं तो बार बार लार पानी के साथ मिलकर पेट में अंदर जाती है, और पेट में हमेशा अम्ल बनता है, एसिड बनता है। तो पेट के एसिड को शांत करने के लिए क्षार की जरूरत पड़ती है, और लार में सबसे ज्यादा क्षार है। तो आयुर्वेद कहता है कि थोड़ा थोड़ा पानी पियो, सिप सिप पानी पियो, ताकि ज्यादा से ज्यादा लार पेट में जा सके और पेट के अम्ल को शांत कर सके। और आयुर्वेद में कहा गया, जिनके पेट का अम्ल शांत रहता है उनको जीवन में कभी कोई रोग नहीं होता। तो पानी को सिप सिप पिए, एक एक घूट करके पानी पिए। मैं आपको एक छोटा सा ऑब्जर्वेशन बताना चाहता हूं। मनुष्य को छोड़कर सभी जीव जंतु पानी को सिप सिप करके ही पीते हैं। मनुष्य को छोड़कर सभी जीव जंतु खाना खाने के दो घंटे बाद ही पानी पीते हैं। आयुर्वेद के दोनों नियम का पालन सारे जीव जंतु करते हैं, आप देख लीजिए। किसी गाय को देखिए खाना खाते हुए, मछली को देखिए, भैंस को देखिए खाना खाते हुए, बैल को देखिए खाना खाते हुए, ये सब सुबह सुबह खाना खाते हैं। और खाना खाते समय आप इनके सामने पानी रख दीजिए, वो पानी की तरफ मुंह भी नहीं निकालते, पीना तो बहुत दूर की बात। वो खूब पेट भर के खाना खाते हैं, फिर आराम से बैठ जाते हैं, फिर मुंह चलाते हैं, जुगाली करते हैं, उसके दो तीन घंटे के बाद ही पानी पीते हैं। किसी पक्षी को देखिए, पक्षी सुबह सुबह दाना चुगता है और दो घंटे घूम के आता है, फिर पानी पीता है। तो सारे पशु पक्षी इस नियम का पालन करते हैं। और आप जानवरों को देखिए, पानी को चाट चाट के पीते हैं। कुत्ते को देखिए पानी चाट कर पीता है, शेर को देखिए पानी चाट कर पीता है, चीते को देखिए पानी चाट कर पीता है, गाय बैल भैंस को देखिए पानी को मुंह में भर लेते हैं, फिर एक एक घूंट पानी को नीचे उतारते हैं। वो सभी पशु पक्षी, पक्षियों को देखिए पानी पीते हुए एक ड्रॉप पानी का उठाते हैं, फिर धीरे धीरे चोंच चलाते हैं, फिर पानी पीते हैं। सारे पक्षी इस नियम का पालन करते हैं, सब पशु इस नियम का पालन करते हैं। और मैंने नहीं देखा कोई पक्षी ओवरवेट, किसी पक्षी का वजन नहीं बढ़ता, क्योंकि वो आयुर्वेद के नियम का पालन करता है। कोई पक्षी ओवरवेट नहीं है, कोई पशु ओवरवेट नहीं है, किसी को डायबिटीज नहीं है, किसी को आर्थराइटिस नहीं है, किसी को ब्रोंकाइटिस और दमा आदि नहीं है। ये सब बीमारियां मनुष्य को हैं, क्योंकि मनुष्य इन नियमों का पालन नहीं करता।
तो पशु पक्षियों को भी इतनी अकल है कि वो आयुर्वेद के नियम पालन करें, तो आप भी अपने जीवन में इन नियमों को पालन करिए। ये दो नियम बहुत महत्व के हैं, खाना खाने के 1.5 घंटे बाद पानी पीना, पानी को सिप सिप करके पीना। तीसरा नियम है, सवेरे जब आप सोकर उठें तो सबसे पहले पानी पीजिए, उषा पान। दांत साफ मत करिए, कुल्ला मत करिए, दातुन मत करिए, ये सब रात को करके सोइए। दांत साफ करने हैं रात को करिए, कुल्ला करना है, दातुन करना है रात को करिए। सुबह उठते ही सबसे पहले पानी पीजिए, उठते ही पानी पीजिए, तो दो फायदे होंगे। रात को जो लार मुंह में बनी है वो पानी के साथ सब अंदर चली जाएगी, और सुबह सुबह पेट खाली रहता है तो उठते ही पानी पियेंगे तो सारा पानी बड़ी आंत में जाएगा, लार्ज इंटेस्टाइन में, और बड़ी आंत में जाकर पानी उसके मल को साफ करेगा, और बड़ी आंत से मल की सफाई जैसे ही शुरू होगी तो पेट में दबाव पड़ेगा, आप संडास में जाएंगे, 2 मिनट में फ्रेश होके बाहर आ जाएंगे। और आयुर्वेद में कहा गया जो सुबह एक बार पेट साफ कर लेते हैं उनकी जिंदगी में रोग आने की दूर दूर तक संभावना नहीं है, तो उठते ही सुबह सुबह पानी पी लिया करिए, कम से कम 1 गिलास, अधिक से अधिक 3 गिलास। और चौथा और आखिरी नियम है आयुर्वेद का जो मैं बताना चाहता हूं, ठंडा पानी कभी भी मत पीजिए, कितनी भी गर्मी पड़े, कितना भी पसीना निकले, रेफ्रिजरेटर में रखा हुआ पानी मत पीजिए, बर्फ डाला हुआ पानी मत पीजिए। ठंडे पानी की परिभाषा क्या है, जो पानी का तापमान 27 डिग्री सेंटीग्रेड से कम होता है वो पानी ठंडा है, और रेफ्रिजरेटर का पानी 10 डिग्री सेंटीग्रेड का है, बर्फ डाला हुआ पानी 4-5 डिग्री सेंटीग्रेड का है, ये दोनों ही पानी मत पीजिए, बहुत खराब है। आप बोलेंगे क्यों, जब आप ठंडा पानी पीते हैं तो पेट में गर्म है और पानी तो ठंडा है, गर्म पेट में ठंडा पानी जब आप डालेंगे तो झगड़ा होने वाला है, या तो पानी पेट को ठंडा करेगा या पेट पानी को गर्म करेगा। अगर पानी ने पेट को ठंडा कर दिया तो पेट के ठंडा होते ही हृदय ठंडा होगा, हृदय ठंडा होते ही मस्तिष्क ठंडा होगा, मस्तिष्क के ठंडा होते ही शरीर ठंडा होगा, और आपकी राम नाम सत्य हो जाएगी। मत पीजिए ठंडा पानी। अब वास्तव में क्या होता है, जब आप बहुत ठंडा पानी पीते हैं तो पेट पानी को गर्म करता है, जब पेट पानी को गर्म करेगा तो पेट को अतिरिक्त रक्त की जरूरत पड़ती है, ब्लड की जरूरत पड़ती है, तो सारे शरीर का रक्त पेट में जाके पानी को गर्म करने लगता है, और रक्त की जरूरत अगर ब्रेन को है और ठंडा पानी पी लिया तो वो पेट में जाएगा पानी को गर्म करने के लिए, तो ब्रेन को रक्त की कमी आ जाएगी, तो ब्रेन में कोई डैमेज हो सकता है, कहीं भी रक्त की कमी आई तो डैमेज हो सकता है, इसलिए ठंडा पानी मत पीजिए। और ठंडा पानी पीने से एक बहुत सबसे बड़ा दुष्परिणाम होता है, हमारा जो लार्ज इंटेस्टाइन है, जो बड़ा आंत है, वो एक खुले हुए पाइप के जैसा होता है, लेकिन जब ठंडा पानी पिए तो वो बंद हो जाता है, संकुचित हो जाता है। और लार्ज इंटेस्टाइन अगर आपका संकुचित हुआ बार बार ठंडा पानी पीने से, तो सुबह आपका पेट साफ नहीं होगा, संडास नहीं आएगा, और जिनको पेट साफ नहीं हुआ, संडास नहीं हुआ, उनको जिंदगी भर रोग ही रोग आने वाले, इसलिए मत पीजिए ठंडा पानी। तो आप बोलेंगे कैसा पानी पिए, सर्दियों के दिन में गुनगुना पानी पीजिए, हल्का गर्म पीजिए, और गर्मियों के दिनों में मिट्टी के घड़े का पानी पी सकते हैं, मिट्टी के घड़े के पानी का तापमान शरीर के तापमान के लगभग बराबर होता है, शरीर का तापमान 33 डिग्री सेंटीग्रेड है, मिट्टी के घड़े के पानी का तापमान भी लगभग 33 डिग्री के आसपास होता है, इसलिए मिट्टी के घड़े का पानी आप पी सकते हैं, रेफ्रिजरेटर का पानी पीना बंद कर दीजिए। और ये रेफ्रिजरेटर पानी रखने के लिए नहीं बनाया है, ये रेफ्रिजरेटर बनाया गया है औषधियों को रखने के लिए, आप पानी रखकर तो उसका दुरुपयोग कर रहे हैं, इसलिए रेफ्रिजरेटर में पानी रखना बंद कर दीजिए, मिट्टी के घड़े में माटले में पानी रखिए, उसको पीजिए। अब इसका एक फायदा और है, सारे भारतवासी जिनकी घरों की संख्या 21 कोटी है, भारत में 21 कोटी परिवार है, अगर सब एक एक मिट्टी का घड़ा खरीद लें
तो भारत के 1 करोड़ से ज्यादा कुम्हार कारीगरों को जिंदगी भर के लिए रोजगार मिल जाएगा और उनका पुण्य हो जाएगा, हमें स्वर्ग में जगह मिल जाएगी, मोक्ष हो जाएगा, क्योंकि उनका दुख हमारे कारण दूर हो जाएगा। तो आप भारत के मिट्टी का काम करने वाले जो कुम्हार कारीगर हैं, उनको रोजगार देने के लिए कम से कम एक घड़ा जरूर खरीदिए अपने घर में और उसी घड़े का पानी पीजिए। तो ये 4 नियम मैंने आपके आयुर्वेद के आपको कहे, और 3 छोटी बातें और आयुर्वेद की कहता हूं जो इतनी ही महत्व की है। आयुर्वेद में कहा गया जीवन भर बात को संतुलित रखना है तो शुद्ध तेल खाइए, जीवन भर पित्त को संतुलित रखना है तो देशी गाय का घी खाइए, और जीवन भर कफ को संतुलित रखना है तो चीनी छोड़कर गुड़ खाइए। यह आयुर्वेद कहता है जीवन भर बात संतुलित रखना है आपको तो शुद्ध तेल खाइए। शुद्ध तेल का माने आप मान लीजिए नारियल का तेल खाते हैं, आप मान लीजिए शेंग दाने का तेल खाते हैं, तो बाजार से जो डब्बाबंद तेल आता है ये शुद्ध नहीं है। बाजार में जो तेल मिलता है वो रिफाइंड तेल है और डबल रिफाइंड तेल है। रिफाइंड तेल और डबल रिफाइंड तेल शुद्ध नहीं होता, क्योंकि तेल का रिफाइन करने के लिए उसमें 23 तरह के केमिकल्स मिलाने पड़ते हैं और वो केमिकल तेल को अशुद्ध कर देते हैं। तेल को रिफाइन और डबल रिफाइन करने का मतलब है तेल की सारी चिकनाई को निकाल लेना, और मैं आपको एक विज्ञान की रहस्य वाली बात बताना चाहता हूं, तेल की चिकनाई में ही सारा प्रोटीन होता है, और जब रिफाइन किया जाता है तेल को तो सारा प्रोटीन निकाल लिया जाता है, और प्रोटीन निकलने के बाद वो तेल पानी से भी ज्यादा खराब होता है, इसलिए मत खाइए उस तेल। चिकनाई वाले तेल की ही आपको जरूरत है खाने के लिए। तो आप बोलेंगे हमारे तो डॉक्टर्स ने बोला है चिकनाई वाला तेल खाओगे तो हार्ट अटैक आ जाएगा। किसी भी डॉक्टर के पास जाके इस बात का बहस करिए कि चिकनाई 2 तरह की होती है दुनिया में, फैट जिसको हम कहते हैं, एक तो अच्छा फैट होता है गुड फैट, और एक तो बुरा फैट होता है बैड फैट। जो अच्छा फैट है उसी को विज्ञान की भाषा में HDL कहते हैं, हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन, और जो खराब फैट है उसी को लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन कहते हैं। LDL हमेशा कम रहना चाहिए, HDL हमेशा ज्यादा होना चाहिए। तो HDL तो तेल की चिकनाई से ही आता है, और HDL तो ज्यादा होना ही चाहिए, तभी आप स्वस्थ रह पाएंगे। आपके शरीर में जितने भी जॉइंट्स है ना, इनको मोबिलिटी के लिए ऑयल की जरूरत पड़ती है, और वो ऑयल आपको गुड फैट के द्वारा ही मिलेगा, इसलिए चिकनाई वाला ही तेल खाइए। बिल्कुल मत घबराइए, बिल्कुल मत डरिए आप। भारत में सैकड़ों वैज्ञानिकों ने अभी ये रिसर्च किया है कि जो लोग शुद्ध तेल खाते हैं उनको अर्थराइटिस कभी होता नहीं, जो लोग शुद्ध तेल खाते हैं उनको हार्ट अटैक कभी आता नहीं, जो शुद्ध तेल खाते हैं वो हमेशा स्वस्थ रहते हैं, और जो रिफाइंड तेल खा रहे हैं डबल रिफाइंड वो बीमार पड़ रहे हैं। और बाजार से जो रिफाइंड तेल आप लाते हैं इसमें एक मिलावट आती है, क्योंकि भारत सरकार ने सभी खाद्य तेलों में पामोलिन तेल मिलाने की इजाजत दे रखी है, और पामोलिन तेल कभी भी शरीर को डाइजेस्ट नहीं होता है। पामोलिन तेल को डाइजेस्ट होने के लिए 42 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान चाहिए, और अपने शरीर का तापमान 37 डिग्री सेंटीग्रेड से ज्यादा नहीं होता, इसलिए पामोलिन तेल डाइजेस्ट नहीं हो पाता, और सभी डब्बाबंद तेलों में पामोलिन तेल मिला हुआ है, इसलिए गलती से भी डब्बाबंद तेल मत लाइए अपने घर में। तो आप बोलेंगे फिर तेल का क्या करें, आप अपना शेंग दाना लेके जाइए और तेल अपनी सामने निकलवा के लाइए, आप अपना नारियल लेके जाइए और तेल अपने सामने निकलवा के लाइए। तेल निकालने के लिए छोटी छोटी मशीनें सभी गांवों में चलती हैं, उन मशीनों में शेंगदाना देकर, नारियल देकर, सरसों देकर आप अपना तेल शुद्ध निकलवाइए, उसी तेल को खाइए, जीवन भर बात आपका संतुलित रहेगा, बीमारी बात की नहीं आएगी। और बिल्कुल मत घबराइए, आपको हार्ट अटैक होने वाला नहीं। हार्ट अटैक होता है डालडा खाने से,
हर्षदेक होता है पामोलिन तेल खाने से, क्योंकि ये डालडा और पामोलिन तेल का जो फैट है ये कभी भी बॉडी को डाइजेस्ट नहीं हो सकता और इसी के कारण लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन बॉडी में बढ़ता है और वो हार्ट अटैक का कारण बनता है। शुद्ध तेल खाने से कभी हार्ट अटैक नहीं आता, इस बात को हमेशा याद रखिए। दूसरी बात आयुर्वेद की याद रखिए कि पित्त का कभी कोई रोग ना आए इसके लिए शुद्ध गाय का घी खाइए। शुद्ध गाय के घी का माने गाय का दूध लीजिए, दूध को दही जमाइए, दही बनाने के बाद उसमें वो रई चलाइए, उसका छाछ बनेगा, ताक बनेगा, फिर मक्खन निकलेगा, उस मक्खन को गर्म करिए, तब घी बनेगा, तूप जिसको आप कहते हैं वही खाइए जीवन में, तो पित्त नहीं बिगड़ेगा कभी भी और कफ ना बिगड़े आपके जीवन में। इसके लिए चीनी खाना छोड़ दीजिए, शुगर मत खाइए, साखर दुनिया का सबसे खतरनाक जहर है जिसको आप खा रहे हैं, इसकी जगह गुड़ खाइए, गुड़। और आप तो सब गोवा वासी महाराष्ट्र के नजदीक रहने वाले लोग हैं, गुड़ से भी अच्छी एक चीज बनती है, काकवी खाइए, काकवी। पूरे भारत में काकवी बनाने वाले महाराष्ट्र में ही लोग हैं, सबसे अद्भुत चीज है। चीनी को निकाल बाहर करिए अपने रसोई में से, वैसे भी 50 रुपए किलो हो गई है, दिमाग खराब हो रहा है सबका, इसको निकालिए, इसकी जगह काकवी ले आइए, गुड़ ले आइए। और गुड़ जब लाए खरीद कर तो देख कर लाइएगा, ज्यादा सफेद ज्यादा पीला गुड़ मत लाइए, थोड़ा काला काला थोड़ा गहरे लाल रंग का गुड़ लाइए, वो शुद्ध गुड़ वही है। और कोल्हापुर में भरपूर बनता है, सतारा सांगली में भरपूर बनता है, यहाँ अपने गोवा में भी काफी बनता है, जहां जहां ऊस का खेती होता है। तो गुड़ खाइए, चीनी बंद करिए, कफ ठीक रहेगा, देशी गाय का घी खाइए, डालडा बंद करिए, पित्त ठीक रहेगा, शुद्ध तेल खाइए तो कभी भी वात ठीक रहेगा, जिंदगी भर रोग नहीं आएगा, हमेशा निरोगी रहेंगे और सर्वे भवन्तु सुखने की बात सत्य सिद्ध होती रहेगी। एक आखिरी माहिती और देनी है आपको स्वस्थ रहने के लिए, और वो माहिती ये है, हमारे आयुर्वेद में ये कहा गया है कि ये जो मीट हम खाते हैं ना, ये शरीर के लिए अत्यंत आवश्यक है, मीट खाना बहुत आवश्यक है। लेकिन कौन सा मीट खाएं? अभी तो बाजार में एक मीट आता है जिसको आयोडीन युक्त मीट कहते हैं, ये सबसे खतरनाक मीट है, ये मत खाइए। फिर कौन सा मीट खाएं? वो हमारे घरों में पहले एक मीट आता था जो बहुत ज्यादा क्यूबिक फॉर्म का होता था, बेले जैसा क्यूब आता था, वो मीट अच्छा है, वो खाइए। एक काला मीट आता है ब्लैक सॉल्ट, वो खाइए। एक सेंधव लवण आता है सेंधव मीट, वो खाइए। ये आयोडीन युक्त मीट खाना बंद कर दीजिए। आप बोलेंगे इसमें क्या मामला है? ये आयोडीन युक्त मीट में भारत सरकार के खिलाफ एक मुकदमा चल रहा है और मेरे जैसे बहुत सारे देश के स्वास्थ्य और चिकित्सा में काम करने वाले लोग वो मुकदमा लड़ रहे हैं सरकार के खिलाफ। पहले ये मुकदमा शुरू हुआ था मुंबई हाईकोर्ट में और वहां सरकार हार गई और हम लोग जीत गए। अब ये मुकदमा चला गया है सुप्रीम कोर्ट में और वहां भी हम जीतेंगे, सरकार हारने वाली है। ये मामला क्या है? मीट में आयोडीन मिलाने के नाम पर एक दो केमिकल डाले जाते हैं। एक केमिकल का नाम है पोटेशियम आयोडेट और दूसरे केमिकल का नाम है एल्यूमिनियम सिलिकेट। ये दोनों ही केमिकल जहर है। पोटेशियम आयोडेट अगर मीट में मिला दिया और बार बार आप वो मीट खा रहे हैं तो आपके शरीर में जरूरत से ज्यादा आयोडीन हो जाएगी और जरूरत से ज्यादा आयोडीन बहुत खतरनाक होती है। और एल्यूमिनियम सिलिकेट जो मीट में मिलाया जा रहा है ये किसी भी व्यक्ति को नपुंसक बना सकता है, ब्लड प्रेशर बढ़ा सकता है, कोलेस्ट्रॉल और ट्राइग्लिसराइड को गड़बड़ करने के लिए एल्यूमिनियम सिलिकेट सबसे बड़ा जिम्मेदार केमिकल है। तो आप कहेंगे फिर टीवी में ये जाहिरात क्यों आता है? ये जाहिरात आपको लूटने के लिए और मूर्ख बनाने के लिए आता है। आयोडीन युक्त मीट खाइए, परिणाम क्या होता है? 25 पैसे किलो वाला मीट आप 12 रुपए किलो में खाना शुरू कर देते हैं
बिना ये पूछे हुए कि आयोडीन युक्त मीट 12 रुपए किलो क्यों होना चाहिए। मीट भारत में एक ऐसी वस्तु है जो बनाने में कोई भी खर्च नहीं लगता। मीट बनता है दरिया के पानी से और सूरज के प्रकाश से। दरिया का पानी फोकट में है, सूर्य का प्रकाश फोकट में है। दरिया के पानी पे सूर्य का प्रकाश गिरता है, पानी वाष्प बन के उड़ जाता है, मीट नीचे रह जाता है। वो मीट तो फोकट में तैयार होता है, 12 रुपए किलो क्यों बिकना चाहिए वो? तो आप कहेंगे मीट बनाने वाले जो कारीगर हैं उनको मेहनत देनी पड़ती है, उनको 25-30 पैसे किलो का मेहनताना मिलता है, तो वो मीट 50 पैसे किलो में आपको मिलना चाहिए, 12 रुपए किलो क्यों? ये आयोडीन युक्त मीट करने के नाम पर आपसे पैसा लूटा जा रहा है और आपकी जेब काटी जा रही है। अब मैं आपको एक ऐसी माहिती देना चाहता हूं, आप हैरान हो जाएंगे, दुनिया में बिना आयोडीन का कोई मीट ही नहीं होता, सभी मीट में आयोडीन होता। फिर ये क्या कर रहे हैं, ये अतिरिक्त आयोडीन मिला रहे हैं मीट में पोटेशियम आयोडेट के नाम पर, और एक दूसरा केमिकल डाल रहे हैं एल्यूमिनियम सिलिकेट, जो दुनिया के किसी भी देश में डालने की परमिशन नहीं है, भारत में डाला जा रहा है। और इस मीट को खाकर ज्यादा लोग बीमार पड़ रहे हैं। तो आप बोलेंगे आयोडीन की कमी हो गई, तो आयोडीन की कमी कभी भी नहीं हो सकती अगर आप रोज दाल खाते हैं। तो आधा कटोरी दाल, पका हुआ दाल, तुअर का दाल, मूंग का दाल, उड़द का दाल, मसूर का दाल, कोई भी दाल आप खा रहे हैं डेली, कभी भी आयोडीन की कमी हो नहीं सकती आपको। और अगर आप भाजीपाला खा रहे हैं, जिंदगी में कभी आयोडीन की कमी नहीं हो सकती। आयोडीन हमें जितना चाहिए उतना आधा कटोरी दाल में मिल जाता है बस, और इतनी दाल तो कोई भी खाता है भारत। भारत सरकार को हमने एक जानकारी मांगी है जिसको सरकार 6 साल से दे नहीं रही है। वो जानकारी ये है कि भारत में कितने लोगों को आयोडीन की कमी है, ऐसे लोगों को हम जानना चाहते हैं, देखना चाहते हैं। 6 साल से ये माहिती सरकार दे नहीं रही है क्योंकि किसी को इस देश में आयोडीन की कमी नहीं है। और आयोडीन की कमी के नाम पर एक बहुत बड़ा फ्रॉड और पाखंड इस देश में चल रहा है, और नमक बेचने वाली कंपनियां इसका पूरा फायदा ले रही हैं और हमारे पुढ़ारी उसमें से पैसे लूट के खा रहे हैं। जो मीट 50 पैसे किलो होना चाहिए था उसको 12 रुपए किलो बिकवा रहे हैं। अब मैं आपको एक आखिरी बात कहना चाहता हूं, मीट के बारे में सबसे गहरी बात हमारे आयुर्वेद में कही गई है कि मीट में जो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं, जो सूक्ष्म पोषक तत्व हैं, वो सबसे ज्यादा सेंधव मीट में है, सेंधव लवण में है। उसके बाद दूसरे नंबर पर सबसे ज्यादा सूक्ष्म पोषक तत्व है तो वो काला नमक में है, ब्लैक सॉल्ट में है, और तीसरे नंबर पर वो क्यूबिक जो मीट आता है डोले वाला उसमें है। ये पिसा हुआ आयोडीन युक्त मीट, इसमें माइक्रो न्यूट्रिएंट सबसे कम है क्योंकि सरकार मीट के सारे माइक्रो न्यूट्रिएंट निकालने, इसलिए आप घर का मीट बदल दीजिए, सादा मीट लाइए, सेंधव लवण लाइए, सेंधव मीट लाइए, काला नमक लाइए, ब्लैक सॉल्ट खाइए, चीनी हटा दीजिए घर में से, गुड़ खाइए, तेल शुद्ध कर दीजिए, गाय का घी शुद्ध खाने लगिए, बस इतने मात्र से जिंदगी भर आपकी सुखी रहेंगे आप, बीमारी नहीं आएगी, रोग नहीं आएगा, और हर साल का 7 लाख कोटि रुपए बच जाएगा। यही अभियान है हमारा भारत स्वाभिमान, लोगों को छोटी छोटी माहिती देना ताकि वो अपने जीवन को बदल सके और बदल के अपने जीवन को ज्यादा सुखी और ज्यादा आनंदमयी बना सके। ये अभियान का एक हिस्सा है। अभियान का दूसरा हिस्सा है भारत देश को सुखी बनाना, भारत देश को स्वस्थ बनाना, भारत देश को निरोगी बनाना। आप बोलेंगे भारत देश को क्या बीमारियां हैं, भारत देश को तो इतनी बीमारियां हैं जितनी हमें भी नहीं। हमारे शरीर की बीमारियां सर्दी खांसी जुकाम बुखार से लेकर कैंसर तक की अगर सूची बनाएं तो कुल मिलाकर 140 या 148 बीमारियां हैं, लेकिन देश की बीमारियों की सूची एक बार मैंने बनाई तो वो बनती ही रहती है, वो कभी खत्म ही नहीं होती।
गरीबी है, बेरोजगारी है, भुखमरी है, अशिक्षा है, भ्रष्टाचार है, भाई भतीजावाद है, इतनी बीमारियां इस देश में हैं। हर दिन अखबार हम उठाते हैं, एक नई बीमारी के दर्शन हो जाते हैं देश। और भारत की बीमारियों में बहुत गंभीरता के साथ हमने ये जानने की कोशिश की कि सबसे खराब बीमारी कौन है, तो वो पता चला गरीबी है। इस गरीबी के कारण बेरोजगारी है, इस बेरोजगारी के कारण भारत के लोगों को आत्महत्या करनी पड़ती है और भयंकर दरिद्रता में जीवन बिताना पड़ता है। गरीबी के आंकड़े हैं हमारी सरकार के, 84 करोड़ लोगों को एक दिन में खर्च करने को 20 रुपए नहीं मिल पाते, 50 करोड़ लोगों को एक दिन में खर्च करने के लिए 10 रुपए नहीं मिल पाते, 25 करोड़ लोगों को एक दिन में खर्च करने के लिए 5 रुपए नहीं मिल पाते, 15 करोड़ लोगों को खर्च करने के लिए एक दिन में 1 रुपया नहीं मिल पाता और 10 करोड़ लोगों को खर्च करने के लिए एक दिन में 50 पैसा भी नहीं मिल पाता। इतनी गरीबी भारत में, और इस गरीबी के बाद बेरोजगारी भी है। बेरोजगारी है, हमारी सरकार कहती है कि 18 वर्ष की उम्र से लेकर 60 वर्ष की उम्र तक 64 करोड़ लोग इस देश में रहते हैं, इनमें से 3.50 करोड़ लोगों को परमानेंट नौकरी है, बाकी के पास कोई रोजगार की परमानेंट व्यवस्था नहीं है। जो 3.50 करोड़ लोगों को परमानेंट नौकरी है, रोजगार है, वो सेना में काम करते हैं, बैंकों में काम करते हैं, बीमा कंपनियों में काम करते हैं, भारत के पब्लिक सेक्टर में काम करते हैं, गवर्नमेंट के ऑफिस में काम करते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट में काम करते हैं, स्टेट गवर्नमेंट में काम करते हैं, सब ऊपर से नीचे तक 3.50 करोड़ लोग हैं, और बाकी के 60.50 करोड़ लोगों को रोजगार और काम उनकी जरूरत के हिसाब से मिल नहीं पाता इस देश में। वो दर दर भटकते रहते हैं, किसी को एक वर्ष में 3 महीने काम मिलता है, किसी को एक वर्ष में 4 महीने काम मिलता है, किसी को एक वर्ष में 6 महीने काम मिलता है, ऐसे 60.50 करोड़ लोग हैं। इतना बुरा हाल है देश का। विकास की बात करें हमारे देश में तो आजादी के 63 साल हो गए हैं, अभी तक 3,50,000 गांव में पीने का पानी नहीं है, 50% गांव में पीने का शुद्ध पानी नहीं है, करीब 4.25 लाख गांव में चलने को सड़क नहीं है, 4 लाख से ज्यादा गांव में हॉस्पिटल नहीं है, डॉक्टर नहीं है, कोई चिकित्सा केंद्र नहीं है। भारत में 115 करोड़ की लोकसंख्या में लगभग 60 करोड़ लोग ऐसे हैं जिनकी कोई शिक्षा अभी तक नहीं हो पाई आजादी के 63 साल के बाद। उन्होंने 20 सूत्री कार्यक्रम अपनाया और उसका पहला सूत्र था गरीबी हटाओ। श्रीमती गांधी 14 साल काम करती रही गरीबी हटाने के लिए, लेकिन गरीबी नहीं हट पाई। श्री राजीव गांधी आए, उन्होंने 5 साल काम किया, तब भी गरीबी नहीं हट पाई। उसके बाद बीपी सिंह, चंद्रशेखर, नरसिम्हा राव आए, 7 वर्षों तक ये काम करते रहे, गरीबी इनसे भी नहीं हटी। उसके बाद देवेगौड़ा, इंद्र कुमार गुजराल आए, फिर श्री अटल बिहारी वाजपेयी आए और अब डॉक्टर मनमोहन सिंह। इतने प्रधानमंत्रियों ने गरीबी हटाने के लिए रात दिन मेहनत किया है, लेकिन गरीबी है कि हर साल बढ़ती ही जा रही है, कम नहीं हो पा रही। लाखों कोटि रुपए का हर साल बजट बनता है, हम केंद्र सरकार को टैक्स देते हैं, हम राज्य सरकारों को टैक्स देते हैं, कुल मिलाकर एक वर्ष में 64 तरह के टैक्स हम देते हैं। टैक्स के द्वारा हर साल 20 लाख करोड़ रुपए हम सरकारों को दे देते हैं और वो 20 लाख करोड़ रुपए सरकारें खर्च करती हैं और फिर भी गरीबी नहीं मिटती। एक दिन मैंने हिसाब निकाला था कि भारत की जो पंचवार्षिक योजनाओं में 110 लाख करोड़ रुपए खर्च हुआ है, अगर ये पंचवार्षिक योजनाओं में खर्च नहीं किया जाता और 110 लाख करोड़ रुपए सीधे गरीबों को बांट दिया जाता तो हर गरीब इस देश में लखपति हो जाता। और एक दिन मैंने कैलकुलेशन किया कि 20 लाख करोड़ रुपए का टैक्स जो हम सरकार को देते रहते हैं, ये टैक्स सीधे सरकार को ना देके गरीबों में बांटना हम शुरू कर दें
तो 5 साल में भारत का हर गरीब कोटिपति हो जाता है, मात्र 5 वर्ष में। इसका मतलब बहुत सीधा है, गरीबी नहीं हटने का सबसे बड़ा कारण हमारी सरकार है और हमारा तंत्र है। ये गरीबी को मिटने नहीं देता, ये गरीबी को हटने नहीं देता। क्यों? हमारे देश में एक प्रधानमंत्री हुए श्री राजीव गांधी, उनका एक स्टेटमेंट आपको सुनाता। वो जब लोकसभा में चुनकर गए तो उन्होंने एक हंगामा कर दिया। उन्होंने एक दिन लोकसभा में कहा कि भारत के गरीब लोगों के विकास कार्य के लिए जब मैं 1 रुपया दिल्ली से भेजता हूं तो गरीब आदमी तक 15 पैसा ही पहुंच पाता है, 85 पैसा बीच में ही लुट जाता है। तो श्री राजीव गांधी को संसद में जो खासदार लोग होते हैं उन्होंने पूछा, ये 85 पैसा कौन लूट लेता है? तो श्री राजीव गांधी ने कहा, हम लूट लेते। तो खासदारों ने पूछा, हम की परिभाषा दीजिए, हम माने कौन? तो राजीव गांधी ने कहा, सबसे ज्यादा लूटते हैं पुढ़ारी माने नेता, फिर लूटते हैं अधिकारी माने ऑफिसर्स, और फिर लूटते हैं कर्मचारी। तो पुढ़ारी, अधिकारी और कर्मचारी तीनों मिलकर 85% लूट लेते हैं, इसलिए गरीबी नहीं मिट पाती। और अब श्री राजीव गांधी के बेटे राहुल गांधी ने लोकसभा में अभी हंगामा किया थोड़े दिन पहले। राहुल गांधी ने कहा कि मेरे पिताजी के जमाने में 1 रुपए में से 15 पैसा गरीबों तक पहुंचता था, अब मेरे जमाने में तो 1 रुपए में से 8 पैसा ही गरीबों तक पहुंच पाता है, 92 पैसा लुट जाता है, माने भ्रष्टाचार और बढ़ गया है, कम नहीं हुआ। हमारे पुढ़ारी, हमारे अधिकारी और हमारे कर्मचारी कैसे लूट रहे हैं इस देश को, एक उदाहरण देता हूं जो आपको तुरंत ध्यान आएगा। हमारे देश में एक पुढ़ारी है, उसका नाम है मधु कोड़ा। वो झारखंड में 2 साल मुख्यमंत्री हुआ, और भारत में ऐसा मुख्यमंत्री भूतो न भविष्यति, कभी हुआ नहीं और होने की संभावना नहीं। क्यों? वो अपक्ष मुख्यमंत्री हो गया, निर्दलीय था, मुख्यमंत्री हो गया, और उसकी पार्टी में वो अकेला एमएलए था और मुख्यमंत्री हो गया, अकेला एमएलए, एक सिंगल एमएलए मुख्यमंत्री हो गया। कैसे हो गया? उसको 2 राजकीय पक्षों ने समर्थन दिया, कांग्रेस पार्टी और लालू यादव का जनता दल, दोनों ने दे दिया समर्थन, मधु कोड़ा हो गया मुख्यमंत्री। मुख्यमंत्री होने के बाद उसने 2 साल खूब जमकर लूटा झारखंड का खजाना, और 2 साल में उसने 5,600 कोटी रुपए लूट लिए। अब अभी सीबीआई ने उसके घर में छापा मारा तो पता चला कि मधु कोड़ा ने 5,600 कोटी रुपए झारखंड के खजाने से लूटकर स्विस बैंकों में जमा करा दिया। स्विस बैंकों में उसके 22 खाते मिले हैं, 22 अकाउंट्स हैं मधु कोड़ा के स्विस बैंक। अब आप जरा थोड़ी देर चिंतन करिए, चिंतन ये करिए कि एक मुख्यमंत्री सबसे गरीब राज्य झारखंड में 2 साल में 5,600 कोटी लूट सकता है, तो एक मुख्यमंत्री सबसे अमीर राज्य में 10 साल तक अगर रह जाए तो कितना लूट सकता है? आपको मालूम है गोवा में ऐसे कई मुख्यमंत्री रह चुके हैं जो 10-10 साल रहे, अंदाजा लगा लीजिए कितना लूटा हो। और गोवा का क्या, गोवा के पड़ोसी महाराष्ट्र में कई मुख्यमंत्री ऐसे रहे जो 12-12 साल रहे, 13-13 साल रहे, उन्होंने कितना लूटा होगा अंदाजा लगा लीजिए। और पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, वहां 10-10 साल मुख्यमंत्री रहे ऐसे कई नेता हैं, उन्होंने कितना लूटा होगा अंदाजा लगा लीजिए। और इन मुख्यमंत्रियों को या मुख्यमंत्रियों जैसे तमाम मंत्रियों को हम अपनी आंखों से देखते हैं कि 20 साल 25 साल पहले जिनके घर में टूटी साइकिल नहीं होती वो रातों रात हजारों करोड़ रुपए की संपत्ति के मालिक हो जाते हैं।
कहां से आता है ये पैसा? लूट कर आता है, भ्रष्टाचार करके आता है। और ये लूट और भ्रष्टाचार का पैसा जो मधु कोड़ा जैसे नेताओं के पास है, मधु कोड़ा कोई एक नाम नहीं है, ऐसे भ्रष्ट नेताओं की संख्या इस देश में 80,000 है। मधु कोड़ा एक नाम है और इन 80,000 भ्रष्टाचारी नेताओं ने पिछले 63 वर्षों में लाखों कोटी रुपए लूट लिया है। इनके नीचे अधिकारी हैं, वो भी लूट रहे हैं। उत्तर प्रदेश नाम का एक राज्य है, वहां पर एक अधिकारी अभी पकड़ा गया भ्रष्टाचार में। उस अधिकारी का नाम है अखंड प्रताप सिंह, ये IAS अधिकारी रहा और उत्तर प्रदेश सरकार का चीफ सेक्रेटरी रहा और चीफ सेक्रेटरी के पद से रिटायर हुआ। थोड़े दिन के बाद उसके यहाँ रेड हुआ CBI का, तो उसके घर में से 480 कोटी रुपए की संपत्ति मिली और 1,000 के नोटों की गड्डियां ट्रक में भर भर के इनकम टैक्स वाले उसके घर से ले गए। वो टेलीविजन पे हमने देखा और इनकम टैक्स वालों ने कहा कि उन 1,000 के नोटों की गड्डियों को मशीनों से 15 दिन में उन्होंने गिन पाया और मधु कोड़ा जैसा ये अखंड प्रताप सिंह जब निकला, CBI की गिरफ्त के अंदर आया, तो इसको पूछा गया कि तुम्हारी सैलरी 77 लाख रुपए होती है जब से तुमने नौकरी शुरू की और आखिरी दिन तक, टैक्स को निकालने के बाद तुम्हारे घर से 480 कोटी रुपए कहां से आया? तो अखंड प्रताप सिंह ने एक बहुत इंटरेस्टिंग बात कही, वो आप सब सुनिए ध्यान से। उसने कहा कि मैं उत्तर प्रदेश में कलेक्टर रहा, कलेक्टर आप समझते हैं DM, कई कई स्थानों पे कलेक्टर रहा, तो हरेक मुख्यमंत्री ने मुझे टारगेट फिक्स किया हुआ था कि एक हफ्ते में इतना लूट कर देना है और अगर मैं लूट कर नहीं दूं तो मुख्यमंत्री मुझे लात मार के निकाल देगा। तो मैं मुख्यमंत्रियों का टारगेट पूरा करने के लिए पैसे लूटता था। कोई मुख्यमंत्री कहता था हफ्ते में 10 कोटी रुपए लूटो, कोई मुख्यमंत्री कहता था 15 कोटी लूटो, कोई कहता था 20 कोटी लूटो। मैं सब मुख्यमंत्रियों का पालन करता था आदेश का और लूटता था, और लूट कर जो पैसा आता था उसमें से थोड़ा मैं रख लेता था और थोड़ा मुख्यमंत्री को देता था। तो मैं जितना रखता था यही पैसा 480 कोटी रुपए हो गया। और अखंड प्रताप सिंह ने एक बात कही कि अगर मैं नहीं लूटता और ईमानदारी से नौकरी करता तो मुख्यमंत्री मुझे सस्पेंड करता, टर्मिनेट करता, इसलिए मैंने लूटना जरूरी समझा। और उसने एक बात कही कि मेरे जैसा कोई भी कलेक्टर ईमानदारी से नौकरी कर नहीं सकता, लूटना उसको जरूरी है क्योंकि मुख्यमंत्रियों को पैसा बहुत जरूरी है और मुख्यमंत्रियों को पैसा नहीं मिले तो वो हमारे जैसे कलेक्टरों को ट्रांसफर करते रहते हैं और ऐसी जगह पटक देते हैं जहां जिंदगी हमारी नरक हो जाती है। तो वो कहता है कि इस पॉलिटिकल सिस्टम में बिना लूटे किसी का काम नहीं चल सकता। ये अधिकारियों का हाल है और फिर नीचे के जो कर्मचारी हैं उनका हाल तो आप सभी जानते हैं। तलाटी से लेकर, माने तहसीलदार से लेकर, या उसके भी नीचे के नायब तहसीलदार, या उसके भी नीचे के BDO से लेकर, और सभी कर्मचारी बिना रिश्वत बिना घूस के एक छोटा सा काम भी नहीं करते। आपके घर में किसी बच्चे का जन्म हुआ हो और जन्म प्रमाण पत्र आपको लेना हो तो बिना घूस के नहीं मिलता, बिना रिश्वत के नहीं मिलता। घर में किसी की मृत्यु हो जाए और मृत्यु प्रमाण पत्र लेना हो बिना रिश्वत और बिना घूस के नहीं मिलता। तो नीचे से लेकर ऊपर तक घूसखोरी लूटखोरी मची हुई है और यही गरीबी का सबसे बड़ा कारण है। और श्री राजीव गांधी के फॉर्मूले में से मैं आपको अगर बात करूं, वो ये कहते थे कि हर गरीब आदमी को जो हम पैसा भेजते हैं उसका 85% लूटता है। तो केंद्र सरकार का पैसा, राज्य सरकार का पैसा, नगरपालिका, ग्राम पंचायत और जिला सरकार का पैसा, सभी स्तर पर हमने कैलकुलेट किया तो पता चला एक वर्ष में इस देश में 17 लाख कोटी रुपए लूट जाता है।
और ये लूटा हुआ धन विदेशी बैंकों में जमा हो जाता है और हमारे पुढ़ारी अधिकारी और कर्मचारी विदेशी बैंकों में खाते खोलकर बैठे हुए हैं। स्विट्जरलैंड नाम का एक छोटा सा देश है, स्विट्जरलैंड की बैंकों का एक एसोसिएशन है, उसका नाम है स्विस बैंकर्स एसोसिएशन। उनकी माहिती के अनुसार भारत के घूसखोर पुढ़ारी और अधिकारियों का स्विस बैंकों में 72 लाख कोटी रुपए जमा है। ये गोवा के पड़ोस में एक महाराष्ट्र राज्य है अपना, महाराष्ट्र राज्य में पुणे नाम का नगर है। इस पुणे नगर में एक स्विस बैंक का एजेंट पकड़ा गया था थोड़े दिन पहले, उसका नाम है हसन अली, शायद आपने नाम सुना हो, वो स्विस बैंक का एजेंट है। हसन अली क्या करता है, भारत के भ्रष्ट पुढ़ारी जो स्विस बैंक में खाता खोलते हैं उनको माहिती देता है किस बैंक में कैसे क्या सुविधा है, क्या नियम है, क्या कानून है। उस हसन अली को जब पकड़ा गया तो उसकी संपत्ति का अंदाजा लगाया गया, तो हसन अली ने खुद कहा मेरी संपत्ति 72,000 कोटी रुपए की है। तो हसन अली को पूछा गया कि आपके घर में कौन सा बिजनेस होता है 72,000 कोटी की संपत्ति है, तो उसने कहा मेरी तो चाय की दुकान भी नहीं है कहीं, मैंने कोई बिजनेस आज तक नहीं किया। तो फिर पूछा गया उसको कि 72,000 कोटी कहां से आया, तब उसने कहा कि भारत के जो पुढ़ारी पैसे लूटते हैं उनके अकाउंट्स मेंटेन करने का काम मैं करता हूं और बदले में मुझे जो कमीशन मिलता है वो कमीशन 72,000 कोटी का हो गया। अब एजेंट के पास 72,000 कोटी है तो एजेंटों के जो सरगना है पुढ़ारी भ्रष्ट, उनके 72 लाख कोटी होना तो बहुत सामान्य सी बात है। और ये 72 लाख कोटी रुपए जिन स्विस बैंकों में रखे हुए हैं, उन स्विस बैंकों का नियम है कि पैसा जमा करने वाले को वो बैंक ब्याज नहीं देते, उल्टा सर्विस चार्ज लेते। दूसरा नियम है कि जो पैसे जमा करता है उसकी अगर मृत्यु हो गई तो बैंक पूरे पैसे को हड़प जाता है। तीसरा नियम है कि रात में 2 बजे भी आप जाओ स्विस बैंक का दरवाजा खुला रहता है, रात में भी पैसे जमा होते। और चौथा नियम है कि वो पैसा जमा करने वाले से कभी पूछते नहीं कि पैसा लाया कहां से आप। और स्विस बैंकों में ये जो पैसे जमा है ऐसे दुनिया में 70 देशों की बैंकों में भी और सारे खाते हैं। भारत में काम करने वाली एक संस्था है, वो अंतर्राष्ट्रीय संस्था है, उसका नाम है ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल, और एक दूसरी संस्था है उसका नाम है टैक्स जस्टिस नेटवर्क। ये दोनों संस्थाएं ब्लैक मनी पर अभ्यास करने वाली दुनिया की सबसे बड़ी दो संस्थाएं हैं। इन दोनों संस्थाओं का कहना है कि स्विस बैंकों में तो भारत का 72 लाख कोटी है, अदर देन स्विस बैंक्स भारत का 258 लाख कोटी रुपए और भी जमा है जो स्विस बैंकों के अतिरिक्त। और ये सारा धन पिछले 63 साल में घूसखोरी करके, रिश्वतखोरी के माध्यम से लूटकर विदेशों में ले जाया गया है। मुझे बहुत दुख है इस बात को कहते हुए कि अंग्रेज आए थे और उन्होंने भारत को लूटा। 250 साल में अंग्रेजों ने 300 लाख कोटी रुपए लूटा था इस देश में। अब आजादी के बाद ये काले अंग्रेज पैदा हो गए, इन्होंने 63 साल में 258 लाख कोटी रुपए लूट लिया इस देश में से। और ये लूट अगर ऐसे ही चलेगी और ऐसे ही भ्रष्टाचार बढ़ेगा तो थोड़े दिन के बाद तो गरीबी आपको भी आ जाएगी। अभी तो 84 कोटी गरीब है, थोड़े दिन में 100 कोटी हो जाएंगे, फिर 115 कोटी हो जाएंगे। अमीर सिर्फ पुढ़ारी रहेंगे, अधिकारी रहेंगे, बाकी सब गरीब होंगे। तब आप बोलेंगे जी क्या किया जाए, तो इस भ्रष्टाचार को खत्म करना पड़ेगा, इस लूटखोरी को बंद कराना पड़ेगा। और इस भ्रष्टाचार और लूटखोरी को बंद कराने के लिए ही भारत स्वाभिमान अभियान ने जन्म लिया है। और भारत स्वाभिमान अभियान ने संकल्प लिया है कि भारत के पुढ़ारी अधिकारी और कर्मचारियों ने जो लूट कर धन विदेशी बैंकों में जमा करा दिया है 258 लाख कोटी,
इस पूरे धन को भारत में वापस लाना है और इससे देश का विकास करना है। आपके मन में एक सवाल आएगा, क्या यह धन वापस आएगा? हाँ, यह धन वापस आएगा। कैसे आएगा? धन जैसे गया था वैसे ही वापस आएगा। जाने का रास्ता अगर है तो वापस आने का भी रास्ता है। तो आप पूछेंगे वो क्या है? दुनिया के जितने भी बैंकों में ये धन जमा है वो पुढ़ारियों की व्यक्तिगत संपत्ति के रूप में जमा है, निजी संपत्ति के रूप में जमा है। अधिकारियों की व्यक्तिगत और निजी संपत्ति के रूप में ये धन जमा है। अगर इस धन को राष्ट्र की संपत्ति घोषित करा दिया जाए तो ये सारा धन भारत में वापस आ जाएगा। इसको कोई बैंक दुनिया में जमा नहीं रख सकता। जिन बैंकों में ये पैसा जमा है उन बैंकों में कानून है। कानून ये कहता है कि जब तक कोई धन व्यक्तिगत संपत्ति है, निजी संपत्ति है, वो दुनिया के किसी भी बैंक में जमा हो सकती है। लेकिन उसी बैंकों में ये भी कानून है कि अगर किसी देश की एपेक्स कोर्ट माने सर्वोच्च अदालत या उस देश की सर्वोच्च संस्था उस धन को राष्ट्र की संपत्ति घोषित कर दे तो वो कोई भी बैंक उस धन को रख नहीं सकते, वो वापस करेंगे। क्योंकि राष्ट्र की संपत्ति राष्ट्र की बैंक में ही जमा हो सकती है। भारत की अगर कोई राष्ट्रीय संपत्ति है तो भारत की बैंकों में ही जमा होगी, विदेशी बैंक उसे रख नहीं सकते। तो हमने भारत स्वाभिमान की तरफ से एक संकल्प लिया है कि 258 लाख कोटी रुपए जो ब्लैक मनी का विदेशी बैंकों में है, इस धन को भारत की राष्ट्रीय संपत्ति घोषित कराया जाए। आप बोलेंगे कौन करेगा ये काम? ये काम या तो सुप्रीम कोर्ट कर सकता है या हमारी संसद कर सकती है। सुप्रीम कोर्ट के पास ये ताकत है कि वो किसी भी धन को राष्ट्र की संपत्ति घोषित कर सकता है। और एक बार सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा किया है। आपको मैं पुराना एक सच्ची कहानी सुनाता हूं। नरसिम्हा राव इस देश में प्रधानमंत्री बने, उस समय एक यूरिया घोटाला हुआ था। यूरिया घोटाले में 133 कोटी रुपए का पेमेंट किया गया और यूरिया भारत में नहीं आया। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में संज्ञान लेते हुए मुकदमा दाखिल किया और सुप्रीम कोर्ट ने जांच कराई कि 133 कोटी रुपए कहां गया, तो पता चला वो पैसा नरसिम्हा राव के बेटे के खाते में जमा हो गया स्विस बैंक में। सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया कि 133 कोटी रुपए भारत की राष्ट्रीय संपत्ति है, लिहाजा ये पैसा भारत में वापस लाया जाए। सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश के 7 दिन के अंदर स्विस बैंकों ने 133 कोटी रुपए हमें वापस किया था और वो पैसा सुप्रीम कोर्ट में आके जमा हुआ और नरसिम्हा राव के बेटे को सुप्रीम कोर्ट ने जेल भेज दिया था। तो हमारा ये मानना है कि अगर यूरिया घोटाले का पैसा राष्ट्र की संपत्ति घोषित हो सकता है तो चारा घोटाले का भी हो सकता है, बोफोर्स घोटाले का भी हो सकता है, एनरॉन घोटाले का भी हो सकता है, घोटाला सब एक। तो इसी उम्मीद में हमने भारत के सर्वोच्च न्यायालय में सुप्रीम कोर्ट में एक मुकदमा दाखिल कराया है और उस मुकदमे में एकमात्र अपील हम कर रहे हैं और वो अपील है कि 258 लाख कोटी रुपए जो विदेशी बैंकों में है उसको राष्ट्रीय संपत्ति घोषित किया जाए। सुप्रीम कोर्ट ने इस मुकदमे को स्वीकार कर लिया है और इस मुकदमे में बहस कर रहे हैं राम जेठमलानी। 6 महीना लगा, 6 महीने में यह मुकदमा स्वीकार हुआ, लेकिन स्वीकार हुआ। अब सुप्रीम कोर्ट ने भारत सरकार को नोटिस दिया है और उस नोटिस में यह कहा गया कि 6 महीने में भारत सरकार बताए सुप्रीम कोर्ट को कि किस पुढ़ारी का कितना पैसा किस बैंक में जमा। अब सरकार की हालत थोड़ी खराब है, वो किसका नाम ले और किसका ना ले, क्योंकि जिनके पैसे हैं वही सरकार चला रहे। तो सरकार ने अभी सुप्रीम कोर्ट को ये बोला है कि थोड़े दिन में हम माहिती देंगे और सरकार ने 70 देशों में अधिकारी भेजे हैं जो इस पैसे की माहिती इकट्ठी कर रहे हैं, थोड़े दिन में शायद सरकार ये माहिती देगी तो बहुत अच्छा है, नहीं देगी तो हम सुप्रीम कोर्ट में ये अपील करेंगे कि जिनका भी पैसा है वो रहने दो, उसको राष्ट्र की संपत्ति घोषित कर दो अगर सरकार नहीं बताती तो।
और सुप्रीम कोर्ट एक्स पार्टी जजमेंट कर सकता है। और अगर वो पैसा राष्ट्र की संपत्ति हुआ तो 258 लाख कोटी रुपए वापस आ जाएगा। ये एक रास्ता है पैसा वापस लाने का। दूसरा रास्ता है भारत की संसद में एक प्रस्ताव पारित किया जाए और वो प्रस्ताव ये कहेगा कि 15 अगस्त 1947 के बाद जितना भी धन भारत से लूटा गया वो भारत की राष्ट्रीय संपत्ति है। और संसद में ये प्रस्ताव पास कराने के लिए एक खासदार चाहिए। एक खासदार इस प्रस्ताव को रखेगा, बाकी सब खासदारों को इस पर बहस करनी पड़ेगी। बहस जब होगी तो टेलीविजन चैनल पे आएगी। आप सब टीवी का स्विच ऑन करके उस दिन जरूर देखना और ये देखना कि कौन कौन खासदार इस प्रस्ताव का विरोध कर रहा है। जो विरोध करेगा बेईमान नंबर एक वही है, खाते उसी के हैं, पैसा उसी का, पता चल जाएगा सारे देश। कई नेता मुझे मिलते हैं आजकल दिल्ली में, वो कहते हैं राजीव भाई अगर आपने ये प्रस्ताव रखवाया संसद में तो डर के मारे बहुत सारे खासदार विरोध ही नहीं करेंगे क्योंकि पोल खुल जाएगी उनकी। तो मैं कहता हूं बहुत अच्छा है, डर के मारे वो विरोध नहीं करेंगे, प्रस्ताव पास हो जाएगा, कानून बन जाएगा, 258 लाख कोटी वापस आ जाएगा, अपने तो दोनों हाथ में लड्डू है। ये दूसरा रास्ता। अब बहुत लोग हमें ये भी डराते हैं कि क्या मालूम एक खासदार भी ना मिले तो प्रस्ताव रखने वाला, एक भी ना मिले सारे बेईमान हो गए हों तो क्या करेंगे। तब हमने एक तीसरा रास्ता निकाला है कि सन 2014 में भारत में लोकसभा के चुनाव हो रहे हैं। परम पूजनीय स्वामी रामदेव जी ने कहा है कि लोकसभा के 2014 के चुनाव में वो एक एक जगह जाएंगे और लोगों से भीख मांगेंगे कि हमें एक खासदार चुनकर दो संसद के लिए जो ये प्रस्ताव पारित कराए। और हो सकता है लोग 543 खासदारों को चुनकर दे दें इस काम के लिए। एक बार ऐसा हुआ था, हमारे देश में एक सन्यासी जैसे व्यक्ति थे, सन्यासी तो नहीं थे लेकिन सन्यासी जैसे एक व्यक्ति थे, उनका नाम था परम सम्माननीय जयप्रकाश नारायण। उन्होंने 1974 में भ्रष्टाचार के खिलाफ एक आंदोलन शुरू किया था और 1977 में देश के लोगों को उन्होंने अपील की थी कि मुझे कुछ खासदार चाहिए संसद में जो भ्रष्टाचार खत्म करने के लिए कानून बनाए। देश के लोगों ने 377 खासदार चुनकर दे दिए थे सम्माननीय जयप्रकाश नारायण को। अगर जेपी को 377 सांसद मिल सकते हैं तो परम पूजनीय स्वामी रामदेव जी को भी मिल सकते हैं, क्योंकि उनमें कोई कम तेजस्विता नहीं है और उनमें कोई राष्ट्र का समर्पण कम नहीं है। और लोग तो तैयार बैठे हैं। हम लोग भारत स्वाभिमान की तरफ से 100% मतदान का जब अभियान चलाते थे ना तो हर गांव में लोग हमें कहते थे कि आप हमें बोलते हैं 100% वोट करो, हम करना चाहते हैं लेकिन कोई ईमानदार आदमी तो हो जिसको हम वोट करें। हमारे सामने तो दो भ्रष्ट खड़े रहते हैं, एक नागनाथ है दूसरा सांपनाथ है, दोनों ही डसते हैं हमको, कोई ईमानदार आदमी लेके आओ, हम सारे लोग वोट देने को तैयार हैं। तो ईमानदारों की एक बड़ी टीम बनाकर इस देश की संसद में भेजनी है 2014 में। और उम्मीद है कि 400 खासदार अपने जीत कर आएंगे और अपन एक मिनट में कानून बनाएंगे 258 लाख कोटी रुपए को राष्ट्र की संपत्ति घोषित करने का और वो सारा पैसा वापस आएगा। ये पैसा तो आएगा और इस पैसे से देश का विकास करना है। विकास करने के लिए योजनाएं बनाना हमने शुरू कर दिया है। इस 258 लाख कोटी रुपए में से 50 लाख कोटी रुपए खर्च करेंगे गांव-गांव में। भारत में 4 लाख गांव हैं, उनमें कपास पैदा होती है और 4 लाख गांव में जहां कपास पैदा होती है वहां खादी बनाने का काम शुरू किया जा सकता है और खादी बनाने के काम में 15 कोटी लोगों को रोजगार दिया जा सकता है। तो ये जो 258 लाख कोटी रुपए आएगा इसमें 10 लाख कोटी रुपए खर्च करके गांव-गांव में हम 100 उद्योग लगाना चाहते हैं, खादी का उद्योग लगाना चाहते हैं। भारत के लगभग 2.5 से 3 लाख गांव में गेहूं पैदा होता है, गेहूं का आटा बनाना चाहते हैं गांव-गांव में और शहरों में बिकवाना चाहते हैं।
गेहूं बिकता है 11 रुपए किलो, आटा बिकेगा 26 रुपए किलो, तो किसानों को कहना है कि गेहूं मत बेचो, आटा बेचो। फिर भारत के करीब 2.5 से 3 लाख गांव में सरसों पैदा होती है, शिंगदाना पैदा होता है, नारियल पैदा होता है, तो शिंगदाने का तेल, सरसों का तेल, नारियल का तेल, ये सब गांव गांव में पैदा करके शहर में बिकवाना चाहते हैं। हर साल में हम 56,000 करोड़ रुपए का तेल खाते हैं, उतना तेल उत्पादन करना गांव गांव में शुरू हो जाए, 1 करोड़ लोगों को इसमें रोजगार मिलता। फिर भारत में करीब 1 लाख गांव में बटाटा पैदा होता है और 1 लाख गांव में टमाटर पैदा होता है। बटाटा चिप्स गांव गांव बन सकता है, टमाटर का सॉस गांव गांव बन सकता है। टमाटर 10 रुपए किलो बिकता है, टमाटर सॉस कम से कम 200 रुपए किलो बिकता है। बटाटा 10 रुपए किलो बिकता है, बटाटा चिप्स 480 रुपए किलो बिकता है। तो गांव गांव में बटाटा चिप्स बनाएंगे, टमाटर सॉस बनाएंगे। 3 लाख गांव में आम पैदा होता है, आम का अचार, आम की चटनी, आम का मुरब्बा, आम का पापड़, आम का शेक, मैंगो शेक जिसको कहते हैं, ये सब गांव गांव में हो सकता है। 1 लाख से ज्यादा गांव में आंवला पैदा होता है, 50-60 हजार गांव में एलोवेरा पैदा होता है। आंवला और एलोवेरा के बीसियों प्रोडक्ट बनते हैं गांव गांव में। तो हमने सारा कैलकुलेशन किया, हर गांव में 100 उद्योग हम लगाएं और हर उद्योग में नागरिकों को काम मिले, तो 65 करोड़ नागरिकों को जिंदगी भर के लिए रोजगार गांव गांव में हम दे सकते हैं, मात्र 10 लाख करोड़ रुपए खर्च करके। और अपने पास 258 लाख करोड़ है, 10 लाख करोड़ खर्च करेंगे, उद्योग गांव गांव में लगेंगे, बेरोजगारी और गरीबी दोनों खत्म हो जाएगी। उसके बाद 4 लाख करोड़ रुपए अगर हम खर्च करें तो हर गांव को 24 तास बीज मिल सकता है, इलेक्ट्रिक करंट मिल सकता है, 4 लाख करोड़ के खर्च में। 7 लाख करोड़ रुपए खर्च करें, हर गांव को सड़क बन जाएगी। 10 लाख करोड़ रुपए खर्च करें, हर शेतकरी के शेत को पानी मिल जाएगा, तालाब बनाने की व्यवस्था हम गांव गांव में शुरू कराएंगे। हर गांव में 8-10 तालाब हो तो बारिश का सारा पानी तालाब में इकट्ठा हो और सिंचाई के लिए काम में आ सके। फिर इसी तरह से हर गांव में चिकित्सा की व्यवस्था, स्कूल कॉलेज की व्यवस्था, सारी व्यवस्थाएं करने में 50 लाख करोड़ खर्च होगा और सारे गांव स्वावलंबी हो जाएंगे। महात्मा गांधी का यही सपना था कि भारत का हर गांव स्वावलंबी बने और स्वदेशी के दर्शन पर खड़ा हो, वो काम करेंगे हम 50 लाख करोड़ का खर्च करके। और 50 लाख करोड़ खर्च करेंगे 258 लाख करोड़ में से, तो भी 208 लाख करोड़ तो फिर बचेगा। उस बचे हुए पैसे को बैंक के फिक्स डिपॉजिट में रखेंगे और 1 साल में उसका ब्याज 20 लाख करोड़ रुपए आएगा। अब हर साल 20 लाख करोड़ का ब्याज अगर देश को मिलेगा तो पूरे देश में टैक्स लेने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, हम सारे देश की अर्थव्यवस्था को 0 टैक्स कर सकेंगे। टैक्स की जरूरत क्या, जब हमारे पास 20 लाख करोड़ की इनकम है साल की, टैक्स लेना बंद कर देंगे। इनकम टैक्स सबसे पहले बंद करेंगे, सेंट्रल एक्साइज खत्म करेंगे, सेल्स टैक्स खत्म करेंगे, रोड टैक्स खत्म करेंगे, टोल टैक्स खत्म करेंगे, ऑक्ट्रॉय खत्म करेंगे, सारे टैक्स खत्म करेंगे। और इनकम टैक्स जैसे ही खत्म होगा तो एक बहुत बड़ी क्रांति होगी। क्रांति क्या होगी, भारत में जितना ब्लैक मनी है वो रातों रात व्हाइट मनी हो जाएगा इनकम टैक्स खत्म होने के तुरंत बाद। अभी हमारे देश में क्या होता है, इनकम टैक्स की चोरी करने के लिए लोग आमदनी को छुपाते हैं। आप इनकम टैक्स लगाना बंद कर दो, कोई आमदनी को छुपाएगा नहीं, सभी लोग ईमानदारी से अपनी आमदनी बताएंगे। इसी तरह से सेंट्रल एक्साइज टैक्स की चोरी करने के लिए लोग उत्पादन को छुपाते हैं। आपको मालूम है माइनिंग में कितना माल उत्पादन होता है, लेकिन सेंट्रल एक्साइज की चोरी करने के लिए छुपाते हैं, वो ब्लैक में चला जाता है। सेंट्रल एक्साइज हटा दो, उत्पादन छुपाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, और सेंट्रल सेल्स टैक्स हटा दो तो व्यापार को छुपाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और किसी को आमदनी, उत्पादन और व्यापार छुपाना ना पड़े तो बेईमानी तो पूरे देश में से खत्म हो जाएगी, सारे लोग आसानी से ईमानदार हो जाएंगे। तो फिर आप बोलेंगे देश को चलाने के लिए कोई और टैक्स की जरूरत नहीं पड़ेगी। हमने तो सारा कैलकुलेशन किया है कि स्विस बैंकों से, विदेशी बैंकों से जो पैसा आ गया पूरा, तो कोई दूसरा टैक्स लगाना ही नहीं पड़ेगा,
जिंदगी भर ये देश बिना टैक्स के चल सकेगा, जिंदगी भर, जरूरत ही नहीं। और सारे टैक्स अगर हम खत्म कर पाए तो महंगाई खत्म हो जाएगी। और महंगाई कैसे खत्म होगी, मैं सिंपल कुछ कैलकुलेशंस आपको बताता हूं। सारे टैक्स अगर हम खत्म करें तो पेट्रोल मिलेगा 12 रुपए लीटर, सारे टैक्स खत्म करें तो डीजल मिलेगा 7 रुपए 80 पैसे लीटर, सारे टैक्स खत्म करें तो रसोई गैस का सिलेंडर मिलेगा 40 रुपए का, सारे टैक्स अगर खत्म करें तो सीमेंट का 50 किलो का पैकेट मिलेगा 72 रुपए का, सारे टैक्स खत्म करें तो 1 किलो लोहा मिलेगा 12 रुपए का, सारे टैक्स खत्म कर दें तो आप जो 10 लाख रुपए में घर बनाते हैं वो घर आपका 4 लाख रुपए में ही बन जाएगा, 6 लाख रुपए बच जाएगा आपका। सारे टैक्स खत्म कर दें तो किसी बच्चे की इंजीनियरिंग की पढ़ाई पर अभी 5 लाख खर्च आता है वो 50,000 में ही हो जाएगी। सारे टैक्स खत्म कर दें तो शिक्षा सस्ती होगी, सारे टैक्स खत्म करें वस्तुएं सस्ती होंगी, सारे टैक्स खत्म करें जिंदगी जीना सबके लिए आसान हो जाएगा, मीट आपको 25 पैसे किलो में मिल जाएगा सारे टैक्स खत्म होने के बाद। आप बोलेंगे ये तो कोई सपना है, हाँ ये तो सपना ही है, 4 साल के बाद ये हकीकत में बदलेगा। हर हकीकत एक दिन पहले तक सपना होती है और एक दिन बाद का सपना हकीकत में बदल जाता है। अभी ये सपना है, 2014 में ये हकीकत बनेगा। अगर आप सब इस सपने को साकार करने में लग जाएं, तो ये सपना एक दिन जरूर हकीकत में बदलेगा। और एक छोटी सी बात कहता हूं आपसे, आप सब पढ़े लिखे समझदार लोग हैं, हमने ये तय किया है कि 258 लाख कोटी विदेशों से वापस लाके देश का विकास करेंगे और बचे हुए पैसे को बैंक में जमा करके उसके ब्याज से देश को चलाएंगे। एक और फैसला हमने लिया है, वो फैसला ये है कि अंग्रेजों ने जो हमारे देश में से 300 लाख कोटी रुपए लूटा था, वो सारा लूटा हुआ धन भी हम वापस लाएंगे इस देश में और ब्याज सहित लाएंगे उस पैसे को। आप बोलेंगे वो कैसे संभव है, अंग्रेजों से लूटा हुआ धन भारत लाना ऐसे संभव है कि अंग्रेजों ने बहुत सारा जो संपत्ति हमारा लूटा है वो अभी भी इंग्लैंड में रखा हुआ है। आपको मालूम है हमारा कोहिनूर हीरा इंग्लैंड में है और कोहिनूर जैसे भारत के 4,680 हीरे अभी तक इंग्लैंड में है। मैं पिछले साल अगस्त में परम पूजनीय स्वामी जी के साथ लंदन गया था, स्वामी जी तो वहां से जल्दी लौटाए, मैं 18 दिन लंदन में रुका था और 18 दिन में मैंने एक ही काम किया था, भारत से लूटी हुई संपत्ति अंग्रेजों ने कहां कहां रखी हुई है उसके दस्तावेज इकट्ठे करना, उसके प्रमाण इकट्ठे करना और उनको भारत में लाना। तो ऐसी संपत्ति के काफी प्रमाण और दस्तावेज हमने इकट्ठे कर लिए हैं और एक दो नहीं है, 20,000 से ज्यादा प्रमाण है हमारे पास। आपको सुनकर बड़ी खुशी होगी, हमारे देश में महमूद गजनबी नाम का एक लुटेरा आया था जिसने सोमनाथ का मंदिर लूटा था। सोमनाथ के मंदिर का दरवाजा पूरा सोने का था, महमूद गजनबी उसको लूट कर गजनी ले गया था, अंग्रेजों ने गजनी को लूटा था और वो सोने का दरवाजा अब अंग्रेजों के म्यूजियम में रखा हुआ है। उसका फोटोग्राफ में निकाल के लाया, वो दरवाजा ही लाखों कोटि रुपए का है आज। एक अंग्रेज आया था इस देश में, उसका नाम था रॉबर्ट क्लाइव, उसने कलकत्ता को लूटा था और लूटा हुआ धन सोने के सिक्के, चांदी के सिक्के, हीरे जवाहरात रॉबर्ट क्लाइव लंदन जब ले गया था तो लंदन की पार्लियामेंट ने उससे पूछा था कि तुम भारत से जो संपत्ति लाए वो कितनी है, तो रॉबर्ट क्लाइव ने उसका जवाब दिया था कि गिना तो नहीं है लेकिन भारत से जो संपत्ति में लाया उसको लाने के लिए पानी के 900 जहाज मुझे किराए पर लेने पड़े। तो 900 जहाज भर के सोने के सिक्के, हीरे जवाहरात रॉबर्ट क्लाइव लूट के ले गया था, उसकी बहुत सारी संपत्ति अभी भी लंदन में पड़ी हुई है। हमारे राजा महाराजाओं के खजानों से अंग्रेजों ने जो कुछ भी लूटा है वो इंग्लैंड के म्यूजियम में भरा पड़ा है और वो सारी लूट की संपत्ति वापस लानी है। इसके लिए क्या करना है, इसके लिए अंग्रेजों के खिलाफ
अंतर्राष्ट्रीय अदालत में, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में, और उस मुकदमे में प्रमाण प्रस्तुत करने हैं कि अंग्रेजों ने क्या क्या लूटा है। और ये प्रमाण हमारे नहीं है, अंग्रेजों की संसद के प्रमाण है कि उन्होंने भारत से क्या क्या लूटा है। और इस मुकदमे को हम अकेले नहीं लड़ने वाले हैं, दुनिया के 70 देशों को अपने साथ मिलाकर अंग्रेजों के खिलाफ लड़ने वाले हैं। वो 70 देश कौन है? अफ्रीका के देश, लैटिन अमेरिका के देश, साउथ ईस्ट एशिया के देश, जिनको अंग्रेजों ने लूटा पिछले 500 साल। उन 70 देशों को हम इकट्ठा करेंगे और ये मुकदमा एक साथ लड़ेंगे और 300 लाख कोटि रुपए वापस लाएंगे। और ये जो पैसा हम लाएंगे, ये सोने के रूप में लाएंगे, गोल्ड के रूप में लाएंगे। और भारत के खजाने में अगर हमने इतना सोना जमा कर दिया 300 लाख कोटि का, तो आपको मालूम है जिस देश के पास सोना ज्यादा होता है उस देश की संपत्ति अपने आप बढ़ जाती है। तो भारत की संपत्ति बढ़ेगी, तो भारत के रुपए की कीमत बढ़ेगी। अभी भारत का 48 रुपया अमेरिका के डॉलर के बराबर है, फिर 300 लाख कोटि रुपए सोने के रूप में आने के बाद भारत का एक रुपया अमेरिका के एक डॉलर के बराबर हो जाएगा। और जिस दिन एक रुपया एक डॉलर हो जाएगा, तो भारत का जो निर्यात अभी दुनिया में हो रहा है 5 अरब डॉलर साल का, ये निर्यात 250 अरब डॉलर साल का हो जाएगा। माने निर्यात की 50 पट आमदनी बढ़ जाएगी, आयात का 50 पट खर्चा घट जाएगा। आयात घटेगा, निर्यात बढ़ेगा, निर्यात की आमदनी बढ़ेगी, आयात का खर्चा घटेगा, तो ट्रेड सरप्लस होगा और भुगतान की स्थिति हमारे पक्ष में होगी, तो हम चीन और अमेरिका जैसे देश से भी बहुत आगे निकल जाएंगे। फिर चीन भी हमारा मुकाबला नहीं कर पाएगा, अमेरिका भी नहीं कर पाएगा। और चीन और अमेरिका को अगर हमने पछाड़ दिया, तो भारत की अर्थव्यवस्था दुनिया में सबसे ऊपर आ जाएगी और भारत फिर से विश्व गुरु बनेगा। भूतकाल में ये देश विश्व गुरु था, भविष्य में भी इसको विश्व गुरु बनाना है, इसका वर्तमान हमें सुधारना है। इसी के लिए भारत स्वाभिमान अभियान चला रहा है। आप बोलेंगे इस भारत स्वाभिमान अभियान में क्या मदद करें, आपसे एक मदद मांगने आया। इस अभियान को शुरू हुआ है अभी एक साल, और एक साल में हमें अभियान की गति को बढ़ाते बढ़ाते काफी तेज हमने कर लिया है। 4 वर्षों में इस अभियान के 5 करोड़ मेंबर बनाने हैं। और भारत में 5 करोड़ मेंबर अगर किसी अभियान के हो गए, तो 50 कोटि लोगों का समर्थन हमें मिलेगा, क्योंकि एक मेंबर 10 लोगों का समर्थन बहुत आसानी से हासिल कर सकता है। एक मेंबर 10 मेंबर बना सकता है, आसान है, कोई मुश्किल नहीं। तो 5 कोटि मेंबर हम बनाएंगे, 50 कोटि मेंबर आसानी से बन जाएंगे। और जिस अभियान में 50 कोटि मेंबर जुड़ जाएंगे, उस अभियान के खासदारों की 400 से ज्यादा सीटें लोकसभा में पक्की हो जाएंगी। 20 से ज्यादा विधानसभाओं में हमारे आमदार होंगे, और अगर हमारे आमदार और खासदार विधानसभा और लोकसभा में हैं, तो कोई भी कानून बनाना और पुराने कानून को हटाना हमारे लिए बहुत आसान होगा। हम अंग्रेजों के जमाने के 34,735 कानूनों को खत्म करना चाहते हैं। उनमें से एक कानून है गो हत्या का कानून। आपको मालूम है अंग्रेज जब आए तो उन्होंने गो हत्या शुरू की इस देश में, और सन 1760 में पहला गाय को कत्ल करने का कत्ल खाना कलकत्ता में बनाया रॉबर्ट क्लाइव ने। धीरे धीरे वो कत्ल खाने बढ़ते गए, और जब अंग्रेज भारत छोड़कर गए तो 350 गाय को कत्ल करने वाले कत्ल खाने थे। अब अंग्रेजों के जाने के बाद इस देश में 36,000 कत्ल खाने हैं जो गाय का कत्ल कर रहे हैं, और एक साल में 4 कोटि गाय कट रही है, और एक गाय के कटने का मतलब है 40 लाख रुपए का नुकसान देश को। क्यों? गाय जितना शेन देती है, जितना मूत्र देती है, उसकी कुल मिलाकर कीमत 20 लाख रुपए बैठती है। गाय जो बछड़ी और बछड़े को जन्म देती है, उनकी कीमत अंतर्राष्ट्रीय बाजार में और 20 लाख होती है। एक गाय 20 साल जिंदा रहे तो 40 लाख रुपए की आमदनी देश को होती है। वो गाय अगर कट जाए तो 15,000 की आमदनी कसाई को होती है। ये कसाईयों से गाय को कटवाना बंद कराना है, और इसके लिए केंद्र स्तर पर कानून बनाना है।
अंग्रेजों के जमाने में गाय कटती थी, अंग्रेजों के जाने के बाद गाय क्यों कटनी चाहिए? गाय बहुत कीमती है हमारे लिए, और गाय के अलावा जो दूसरे जानवर कटते हैं वो भी कीमती है, मशी भी कीमती है, बैल भी कीमती है, क्योंकि ये देश की कृषि व्यवस्था को मदद करते हैं। ये कानून हमें बदलना है, गो हत्या का कानून बदलना। इसी तरह से हमारे देश में अंग्रेजों के जमाने का बनाया हुआ पुलिस कानून चलता है, इंडियन पुलिस एक्ट, अंग्रेजों के जमाने का इंडियन सिविल सर्विसेज एक्ट चलता है, अंग्रेजों के जमाने का आईपीसी, सीआरपीसी, सीपीसी चलता है। ये सब कानून अंग्रेजों के बनाए हुए, हमारी सरकारों ने एक भी कानून बदला नहीं है पिछले 63 सालों में। आईपीसी जिसको आप इंडियन पीनल कोड कहते हैं, वास्तव में वो आयरिश पीनल कोड है। आयरलैंड को अंग्रेजों ने गुलाम बनाया 10वीं शताब्दी में, और आयरलैंड को गुलाम रखने के लिए जो कानून उन्होंने लगाया आयरिश पीनल कोड, उसी को भारत पर लगा दिया था अंग्रेजों ने 1860 में। वो कानून अभी तक चल रहा है, और उस कानून के चलते किसी को न्याय नहीं मिल पा रहा। भारत की अदालतों में 3,50,00,000 केस पेंडिंग है, और 3,50,00,000 केस पेंडिंग है एक वादी और एक प्रतिवादी, दोनों मिलाएं तो 7 कोटी लोग होते, और 7 कोटी परिवार न्याय की प्रतीक्षा कर रहे हैं, लेकिन न्याय नहीं मिल रहा है, क्योंकि अंग्रेजों के बनाए हुए कानून किसी को न्याय नहीं देते। कानून कैसे हैं? एक उदाहरण दूं, अंग्रेजों का बनाया हुआ एक कानून है मोटर व्हीकल एक्ट। इस कानून में यह है कि आप किसी को मोटर के नीचे कुचलकर मार दो तो 6 महीने की सजा होगी, और बेल कभी भी हो जाएगी आपको। और इसी कानून में व्यवस्था है कि अगर मोटर से उतरकर आपने किसी को मार दिया तो 14 साल की सजा होगी और बेल कभी भी नहीं होगी। मोटर से कुचलकर मारो 6 महीने की सजा, मोटर से बाहर किसी को जान से मार दो 14 साल की सजा। ऐसा विचित्र कानून अंग्रेजों ने बनाया। क्यों बनाया? अंग्रेजों के पास मोटर कार होती थी, भारतवासी उससे कुचलकर मारे जाते थे, अंग्रेजों को सजा नहीं होनी चाहिए, इसलिए ये कानून बनाया अंग्रेजों ने, और आज तक वही कानून चल रहा है इस देश में। हमारे देश में अंग्रेजों ने माताओं और बहनों पर सबसे ज्यादा बलात्कार किए, तो बलात्कार का कानून ऐसा बनाया जिसमें किसी भी बलात्कारी को सजा ना होने पाए। तो हमारे देश में आज तक वही कानून चल रहा है जो अंग्रेजों ने बनाया। 100 बलात्कारी बलात्कार करते हैं, 5 को भी सजा नहीं हो पाती अदालत से, 95 छूट जाते हैं। ऐसा अत्याचारी कानून है अंग्रेजों का। ऐसे 34,735 कानून है। ये सब कानूनों को बदलना है, हटाना है, जलाना है। भारत की आजादी को सच्ची आजादी बनाना है, नई आजादी लाना है, स्वतंत्रता को स्थापित कराना है। इसके लिए हमें बहुमत चाहिए, संसद में बहुमत चाहिए, समाज में भी बहुमत चाहिए, और इस बहुमत को जुटाने के लिए भारत स्वाभिमान अभियान काम कर रहा है। आप सब इसमें मदद करें, इस विनम्र अपेक्षा के साथ में आया। आप बोलेंगे क्या मदद कर सकते हैं इस भारत स्वाभिमान अभियान में? सबसे पहली मदद आप करिए, हमारे मेंबर हो जाइए, और मेंबर होने के लिए एक फॉर्म भरना है, वो फॉर्म आपको यहाँ स्टॉल पे मिल जाएगा। आप जाने से पहले फॉर्म ले जाइए, नाम पता फोन नंबर भर के हमारे प्रभारियों को दे दीजिए। जब आप फॉर्म जमा करेंगे तो 51 रुपए की दान राशि हमें आपसे चाहिए, और गांव में रहने वाले अगर आप किसान भाई हैं, शेतकरी हैं, तो 11 रुपए की दान राशि चाहिए। शेतकरी भाई 11 रुपए में मेंबर हो सकते हैं, शहर में रहने वाले 51 रुपए में हो सकते हैं। आप जो दान राशि देंगे उसकी रसीद आप जरूर लेना, क्योंकि भारत स्वाभिमान का नियम है कि बिना रसीद के हम एक पैसा भी दान नहीं ले सकते। आप रसीद लेकर अपने पास संभाल के रखना, वो प्रमाण होगा। आप जो दान देंगे वो हमारे लिए फंड्स के रूप में काम आएगा। हमने भारत स्वाभिमान की तरफ से एक संकल्प लिया है कि किसी बड़े आदमी से 10 कोटी रुपए लेना, 15 कोटी लेना, 20 कोटी लेना, उससे अच्छा है भारत के 1 कोटी शेतकरी नागरिकों से 10-10 रुपए लेना। महात्मा गांधी ने जब आजादी का आंदोलन किया था तो चाराना मेंबरशिप का एक अभियान चलाया था। महात्मा गांधी 25 पैसे लेते थे, चाराना लेते थे,
और मेंबर बनाते थे, और उस समय 1,24,00,000 लोगों को गांधी जी ने मेंबर बनाया था। उस जमाने का 4 आना आज के जमाने का 11 रुपए ही बैठता है। तो हमने ये 11 रुपए वाला अभियान अभी शुरू किया है, आप उसमें जुड़ सकते हैं, मेंबर हो सकते हैं। शेतकरी भाई हैं, नागरिक हैं, और शहर में रहते हैं तो 51 रुपए जो दान देंगे वो फंड के रूप में हम इस्तेमाल करेंगे भारत स्वाभिमान में। और आप हमारे मेंबर बनेंगे तो हमारी राजनीतिक ताकत बढ़ेगी। हमें 5 कोटी लोग अगले 4 साल में मेंबर बनाने हैं, ताकि 50 कोटी लोगों का समर्थन और सहयोग मिले और इस पूरे अभियान को सफल बनाना है, जो मैंने आपके सामने वर्णन किया। अब आप अगर मदद करेंगे ये अभियान जल्दी होने वाला है, नहीं करेंगे तो भी अभियान तो होने वाला है, ये अभियान तो सफल होने वाला है। आप मदद करेंगे तो जल्दी होगा, नहीं करेंगे तो थोड़ा देर में होगा, लेकिन होगा। आप बोलेंगे इतना आत्मविश्वास क्यों है मुझे, ये आत्मविश्वास इसलिए है मुझे कि इस अभियान की कमान एक सन्यासी के हाथ में है, और सन्यासियों ने जब भी कोई बड़ा संकल्प लिया है भारत देश में वो संकल्प पूरा हुआ है। मैं 2 सच्ची घटनाएं सुनाता हूं आपको। हमारे भारत देश में एक सन्यासी हुए समर्थ गुरु रामदास। हमारे भारत में 2 ही परंपराएं रही हैं, संतों की परंपरा, सन्यासियों की परंपरा। संत जो होते हैं, जैसे संत हुए तुकाराम, जैसे संत हुए गाडगे महाराज, जैसे संत हुए तुलसीदास, जैसे संत हुए कबीरदास, ये समाज को दिशा देने का काम करते हैं। संतों के समानांतर एक परंपरा रही है सन्यासियों की। सन्यासी जो होता है वो देश के लिए लड़ता है, भिड़ता है, जान भी देता है, समाज के लिए संगठन बनाता है, राजा बनाता है, राजा को दिशा देता है। ये सन्यासियों का काम रहा है हमारे देश में। समर्थ गुरु रामदास एक बड़े तपे हुए सन्यासी थे, वो संत नहीं थे, सन्यासी थे। और सन्यास धर्म की जब उन्होंने दीक्षा ली तो उनके मन में सबसे बड़ी पीड़ा क्या थी कि भारत देश में औरंगजेब नाम का एक अत्याचारी शासक था। उस औरंगजेब ने पूरे देश में मारकाट मचाई हुई थी, हिंदुओं के मंदिर तोड़ रहा था, जजिया कर ले रहा था हिंदुओं से, जबरदस्ती हिंदुओं को मुसलमान बना रहा था। समर्थ गुरु रामदास को वो अच्छा नहीं लगता था, और मनी मन में वो बार बार ये सोचते थे कि काश कोई वीर प्रतापी राजा ऐसा पैदा हो इस देश में जो इस औरंगजेब के शासन को खत्म करे और इस देश में से मुगल सल्तनत को समाप्त करे, और भगवान से वो प्रार्थना करते थे। और समर्थ गुरु रामदास की प्रार्थना को एक दिन भगवान ने स्वीकार किया, और समर्थ गुरु रामदास के संकल्प को पूरा करने के लिए ईश्वर ने छत्रपति शिवाजी महाराज को इस देश में पैदा किया। और छत्रपति शिवाजी महाराज ने अपनी उम्र के 17वें साल में औरंगजेब को चुनौती दी, और चुनौती इतनी जबरदस्त थी कि पूरे दक्षिण भारत से औरंगजेब के शासन का खात्मा हो गया, और थोड़े दिन के बाद औरंगजेब खुद मर गया और मुगल सल्तनत इस देश में से समाप्त हो गई। एक सन्यासी का संकल्प इतना प्रबल होता है। एक दूसरा उदाहरण देता हूं आपको। एक सन्यासी हुए महाराष्ट्र में, लातूर के पास के एक गांव में जन्म हुआ, उनका नाम था स्वामी रामतीर्थ। और ये कहानी अभी ज्यादा पुरानी नहीं, 60 से 65 साल पहले की कहानी है। स्वामी रामतीर्थ ने एक संकल्प लिया था सन्यासी के रूप में कि हैदराबाद की जो रियासत है इसे भारत में ही रहना होगा, और हैदराबाद का निजाम चाहे तो भारत छोड़कर पाकिस्तान चला जाए। हैदराबाद का उस समय जो निजाम था वो बार बार ये कहा करता था कि मुझे हैदराबाद की रियासत पाकिस्तान में लेके जानी है, और स्वामी रामतीर्थ का संकल्प था कि हैदराबाद को भारत में ही रखना है। और स्वामी रामतीर्थ के संकल्प को पूरा करने के लिए भगवान ने सरदार वल्लभ भाई पटेल को इस देश में भेज दिया, और सरदार वल्लभ भाई पटेल ने हैदराबाद रियासत को भारत में मिला दिया। सन्यासियों ने जब भी संकल्प लिया है ईश्वर ने बड़ी मदद की है। आपको मालूम है बंगाल में 1857 का जो संग्राम हुआ, आजादी का पहला संग्राम, ये सारा संग्राम सन्यासियों का शुरू किया हुआ संग्राम था।
बंगाल में सन्यासी विद्रोह की बहुत पुरानी परंपरा रही है। ये जो गाना हम गाते हैं, ये जो गीत गाते हैं ना, वंदे मातरम सुजलाम सुफलाम मलयज शीतलाम सस्य श्यामलम मातरम, ये सन्यासी विद्रोह में से पैदा हुआ गीत है जो 1875 में अंग्रेजों के खिलाफ बंगाल में चला था सन्यासी विद्रोह, उस विद्रोह का गीत है सुजलाम सुफलाम मलयज शीतलाम। बंकिम चंद चटर्जी ने लिखा जरूर है, लेकिन सन्यासी आंदोलन से प्रभावित होकर इस गीत को लिखा था उन्होंने। और सन्यासी आंदोलन उत्तर भारत में शुरू हुआ था। आपको मालूम है 1850 के आसपास इस देश में परम प्रतापी परमवीर एक सन्यासी हुए, उनका नाम था परम सम्माननीय परम पूजनीय स्वामी दयानंद सरस्वती। उन्होंने कितने क्रांतिवीरों को तैयार करके आजादी की लड़ाई में झोंक दिया। अमर शहीद मंगल पांडे हो या भगत सिंह हो, लाला लाजपत राय हो या महात्मा हंस राज हो, ये सब चेले थे परम सम्माननीय परम पूजनीय स्वामी दयानंद सरस्वती। तो सन्यासियों ने हमेशा इस देश को दिशा दी है और जरूरत पड़ने पर इस देश के लिए राज्य सत्ता को बदला है, धर्म सत्ता को देश के अनुकूल किया है, समाज सत्ता को दिशा दिखाई है। तो उसी सन्यास परंपरा की दीक्षा लिए हुए परम पूजनीय स्वामी रामदेव जी ने यह बीड़ा उठाया है कि देश को समृद्धशाली बनाना है, गौरवशाली बनाना है, संपूर्ण बनाना है। गौरव ऐसा कि सारी दुनिया भारत को सलाम करे, गौरव ऐसा कि सारी दुनिया भारत को प्रणाम करे, गौरव ऐसा कि हमारी पूरी छवि दुनिया में बदले। आज हम गरीब देश है, भुखमरी के शिकार, बेरोजगारी के शिकार, लेकिन हमेशा नहीं रहने वाले हैं। 4 साल के बाद इस देश की तकदीर बदलेगी, तस्वीर बदलेगी, और उस तकदीर और तस्वीर को बदलने के लिए एक सन्यासी का संकल्प है। हम सब इस संकल्प में हिस्सेदारी करें, हम सब इस संकल्प में भागीदारी करें, तो हमारे लिए पुण्य का काम है। सफलता तो मिलने वाली है, क्योंकि अभियान तो सन्यासी का है, हम तो निमित्त बनेंगे इस सफलता के, और ईश्वर शायद हमको यश देगा। मुझे कई बार ऐसा लगता है कि हम सब लोग जो इस भारत स्वाभिमान में जुट रहे हैं, कौन लोग हैं? कहीं ऐसा तो नहीं कि पुराने जमाने के शहीदों की आत्मा हो जो हमारे शरीर में प्रवेश की हो और अधूरे काम को पूरा करने के लिए हम सब फिर से इकट्ठे हुए हों। 1857 में हम इकट्ठे हुए थे नाना साहब पेशवा के साथ, 1857 में हम इकट्ठे हुए थे तात्या टोपे के साथ, 1857 में हम इकट्ठे हुए थे झांसी रानी लक्ष्मी के साथ, 1857 में हम इकट्ठे हुए थे रानी कित्तूर चन्नम्मा के साथ, 1857 में हम इकट्ठे हुए थे वासुदेव बलवंत फड़के के साथ, 1857 में हम इकट्ठे हुए थे 7,32,780 क्रांतिवीरों के साथ। शायद हम उन्हीं शहीदों की आत्माएं हैं जो आज शरीर में प्रवेश करके फिर इकट्ठे हुए हैं और अपने अधूरे काम को पूरा करने के लिए हमने इस पृथ्वी पर जन्म लिया है और एक सन्यासी के नीचे आकर संगठन बनाया है, और इस संगठन को परम प्रतापी परम सम्माननीय हमारे परम वंदनीय श्री रामदेव जी के साथ मिलकर हम सपना पूरा करना चाहते हैं। आप सब इस सपने में शामिल हों, इस सपने में शामिल होकर अपने जीवन को सफल बनाएं, सार्थक बनाएं, ऐसी विनम्र प्रार्थना करने के लिए मैं आया हूं। आप अगर इसमें शामिल होंगे आपको बड़ा सुकून मिलेगा, और अगर नहीं शामिल होंगे तो आने वाले समय में आपके बच्चे आपसे सवाल पूछेंगे कि जब भारत स्वाभिमान का अभियान चल रहा था तो तुम क्या कर रहे थे। तब आपके पास शर्मिंदा होने के लिए एकमात्र उपाय रह जाएगा। तो आपको भविष्य में अपने बच्चों के सामने शर्मिंदा ना होना पड़े, ऐसा काम मत करिए। भारत स्वाभिमान में जुड़ जाइए, इसमें शामिल हो जाइए। 1942 के आंदोलन में जिन्होंने महात्मा गांधी का सहयोग नहीं किया, 1942 के आंदोलन में अंग्रेजों को भारत से भगाने के लिए जिन्होंने काम नहीं किया, आज वो सब लोग शर्म से अपना मुंह छुपाते हुए इस देश में घूमते हैं और गौरव से कोई बात कह नहीं सकते। तो आने वाले 4-5 वर्षों में हमको शर्मिंदा ना होना पड़े कि हम भारत स्वाभिमान में शामिल नहीं हो पाए और शर्मिंदा होकर जीवन बिताएं, उससे अच्छा है आप गौरव अपने ऊपर करें, गर्व करें, स्वाभिमान के साथ भारत के इस आंदोलन में लगे और इस लड़ाई को सफल करें, सार्थक करें। भगवान हमको शक्ति दे, परमात्मा हमको सामर्थ्य दे, हमको बुद्धि दे, हमको साहस दे, और इस लड़ाई को जरूर हम जीत पाएं, लड़ पाएं, ऐसी भावना के साथ आपको प्रणाम करता हूं।
आपका अभिवादन करता हूँ, आपको धन्यवाद देता हूँ। आप सब यहाँ इकट्ठे हुए और मैंने इतनी लंबी चर्चा आपसे की, जाते जाते मैं बोलूंगा भारत माता की, आप सब बोलेंगे जय। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे वंदे। बहुत धन्यवाद। आप जाएंगे तो भारत स्वाभिमान के मेंबरशिप का फॉर्म लेके जाएं स्टॉल पर, और हमारे भारत स्वाभिमान से जुड़े हुए कुछ कार्यकर्ता खादी बनाते हैं, सूती खादी बनाते हैं, हाथ से खादी बनाते हैं, हाथ से बुनते हैं, हाथ से चरखा चलाते हैं, उनकी बनाई हुई खादी का स्टॉल है। आप उनकी थोड़ी थोड़ी खादी भी खरीदें, दो दो पांच पांच दस दस मीटर, तो हमारे हजारों कार्यकर्ताओं को रोजगार मिलता है और वो इस भारत स्वाभिमान में अपना तन मन धन लगाते हैं। तो कृपया निवेदन है कि थोड़ी थोड़ी खादी जरूर खरीदें, आप स्वदेशी बने खादी पहनकर, और हमारे कार्यकर्ताओं को